ओके तो मालिक, तो सबसे पहले कॉन्सेप्टली कॉमन पूल में सबसे पहला पॉइंट है क्लाइंट एंड सर्वर। पहला कॉन्सेप्ट, क्लाइंट, एनी कंप्यूटर विच सेंड द रिक्वेस्ट इज कॉल्ड क्लाइंट। कोई भी कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो क्लाइंट होगा। तो सर सर्वर क्या होगा? सर्वर मतलब एनी कंप्यूटर विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट। सर्वर मतलब एनी कंप्यूटर विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट। वापस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ओके, हम लोग कॉमन पूल पढ़ रहे हैं, वापस मैं बता रहा हूं। ओके, एकदम क्लियर कट समझिए मालिक, आराम से समझिए, घाई मत करिए। ओके, एकदम क्लियरली आपके दिमाग में जाने दीजिए। वापस मैं कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं। आई एम डिस्कसिंग सम कॉमन पूल, डोंट एंटर इनटू चैप्टर, आई डोंट रिक्वायर एनी टेक्स्ट बुक राइट नाउ। कुछ टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए, कोई चैप्टर का पॉइंट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप डिस्कशन करिए मेरे साथ, और उसके बाद जब मैं आपको नोट्स बनाने बोलूं तब आप नोट्स बना लेना। तब तक अपना डिस्कशन यही रहेगा मालिक। ओके, क्लाइंट मींस, ओके, देयर आर टू थिंग्स, वन इज क्लाइंट एंड वन इज सर्वर। क्लाइंट मींस एनी कंप्यूटर, वापस आ रहा हूं, ओके, वापस आ रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मालिक। क्लाइंट मींस एनी कंप्यूटर विच सेंड द रिक्वेस्ट। कंप्यूटर मींस, सर्वर मींस एनी कंप्यूटर विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट। एक कोई भी डब्बा जो रिक्वेस्ट भेजेगा, जब मैं डब्बा बोल रहा हूं इसका मतलब कौन? कंप्यूटर, कंप्यूटर का डब्बा। कोई भी डब्बा जो रिक्वेस्ट भेजेगा उसको हम क्लाइंट बोलेंगे, जो भी डब्बा रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा उसको हम सर्वर बोलेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल अपन डिस्कशन करते हैं। ओके, आप समझना शुरू हो। ओके, इट इज नथिंग टू डू विद प्रिंसिपल एंड एजेंट। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, एक कॉन्सेप्चुअली पॉइंट बात करते हैं। आपने टाइप किया www.gmail.com, आपने आपके मोबाइल में टाइप किया www.gmail.com, आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल बन गया क्लाइंट डिवाइस। आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर बन गया क्लाइंट डिवाइस, क्योंकि आपका डिवाइस रिक्वेस्ट भेज रहा है कि जीमेल, मुझे जीमेल का वेबसाइट या जीमेल का पेज खुल जाना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए क्लाइंट डिवाइस। www.gmail.com इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट डिवाइस। आपने टाइप किया, अब मेरे को बताओ ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? आपने टाइप किया www.gmail.com, ये टाइप करने के बाद ये रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास मालिक? ये रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के डब्बे के पास। सर किसके पास है ये डब्बा? किसके पास है ये? गूगल वाले ने सर्वर रखा होगा ना मालिक, गूगल वाले ने कंप्यूटर रखे होंगे ना। वो डब्बा जो आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, वो डब्बे को हम बोलेंगे सर्वर का डब्बा। ओके, जैसे ही आप टाइप करते हो www.gmail.com, द रिक्वेस्ट गोज टू द सर्वर, सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट, सर्वर अपने एंड पे प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को, और उसके बाद वो प्रोसेस होने के बाद वो आपके डिवाइस पे, आपके कंप्यूटर के डिवाइस पे या आपके मोबाइल के डिवाइस पे, ओके, स्क्रीन लाएगा जीमेल का। दिस इज नथिंग बट क्लाइंट एंड सर्वर कॉन्सेप्ट। So whenever we are discussing about client and server, everywhere our discussion goes in and around with client and server. हमेशा हमेशा अपना client and server के बीच में discussion रहेगा। कोई भी computer अगर request भेज रहा है तो उसका मतलब होता है वो client device है, और कोई भी computer अगर request process कर रहा है उसका मतलब वो server device है। छोटा सा वापस एक example बता रहा हूं। आपने टाइप किया www.facebook.com, ओके, आपके computer पे, तो इसका मतलब आपका device कौन सा हुआ मालिक? Client device। ये रिक्वेस्ट किसके सर्वर के पास गई? कौन से सर्वर के पास गई? ये सर्वर के पास गई, दैट इज कॉल्ड फेसबुक का सर्वर। वो सर्वर कौन सा है? दैट इज कॉल्ड कौन सा डिवाइस? सर्वर डिवाइस। बोथ आर कंप्यूटर, बोथ आर कंप्यूटर मालिक। द ओनली थिंग इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। क्या हो आज तो कुछ तो प्लस माइनस ही चल रहे हैं भाई। कौन क्या काम कर रहा है उसके बेसिस पे, कौन क्या काम कर रहा है उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे ये क्लाइंट है या सर्वर है। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लाइंट एंड सर्वर, ओके, क्लाइंट एंड सर्वर इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, कौन क्या काम कर रहा है राइट नाउ। ओके, वैसे अभी मेरे को चैट्स के पॉइंट आ नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये आंसर दे सकते हो। ओके, अपने एंड पे बैठ के अभी एक बार एटलीस्ट थोड़े टाइम तक आप आंसर दीजिए। ओके, मेरे को बताइए, ओके, अभी हाल फिलहाल अपन दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोई मुझे क्वेश्चन रेस करेगा और मैं आंसर दूंगा। जो क्वेश्चन रेस कर रहा है वो बंदा कौन है, वो पर्सन कौन है? द पर्सन इज कॉल्ड हुम? दैट पर्सन इज कॉल्ड क्लाइंट पर्सन। यानी आप लोग जो बैठे हो घर में अभी, आप लोग जो बैठे हो वो क्लाइंट है। ओके, और मैं कौन हूं? जैसे ही आप क्वेश्चन रेस करोगे और मैं प्रोसेस करके उसको दूंगा, तो मैं कौन बना मालिक? मैं बना सर्वर। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर।
तो सर सर्वर का कंप्यूटर, सर्वर का डब्बा कैसे रहता है मालिक? सर्वर का डब्बा दिखता कैसे है? ओके, अगर आपका क्वेश्चन आएगा सर्वर दिखता कैसे है, क्लाइंट तो चलो मेरे को समझ में आ गया सर, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास एक मोबाइल का डिवाइस है, वो कंप्यूटर मेरे को समझ में आ गया, क्लाइंट है। सर्वर का डब्बा कैसे दिखता होगा? जैसे तेरे घर पे कंप्यूटर है ना, वैसे ही सर्वर है रे। Example, right now you and me both are, you are client and I am server. दिखने में अपन लोग सेम है ना रे, सिमिलर ह्यूमन बींग है ना रे। फर्क क्या है तेरे और मेरे इसमें? तेरे और मेरे इसमें सबसे बड़ा फर्क है प्रोसेसिंग पावर। इधर 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 प्रोसेसिंग पावर मेरा तोड़ है, ओके, स्टोरेज मेमोरी तोड़ है। तेरे और मेरे इसमें यही डिफरेंस है ना, तेरे और मेरे इसमें यही डिफरेंस है। तेरा प्रोसेसिंग पावर कम है मेरे कंपैरिजन में, तेरा स्टोरेज कैपेसिटी कम है मेरे कंपैरिजन में। मेरा स्टोरेज पावर एंड कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी तोड़ है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर्स। सर्वर कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग पावर होता है वो जबरदस्त होता है, वो बहुत तोड़ होता है। क्लाइंट का प्रोसेसिंग पावर होता है वो एकदम बेसिक कंप्यूटर्स के जैसा होता है। क्लाइंट की स्टोरेज कैपेसिटी 1 TB, 2 TB, 4 TB, नॉट मोर देन दैट। ओके, सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी कैन गो अप टू 100 TB ऑल्सो। This is a basic difference between client and server. तो मालिक आप ध्यान में रखना, ओके, यानी अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आपको समझा होगा मेरे ख्याल से। चैट अभी तक चालू नहीं हुए तो लॉजिकली तो मालिक, ओके, अपन जब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर क्लाइंट एंड सर्वर, तो आप लॉजिकली ध्यान रखना। ओके, स्क्रीन पे देखिए जो मैं बना रहा हूं। ओके, ये कंप्यूटर का डिवाइस है जिसपे आप टाइप करते हो www.rediff.com, rediff.com, आप rediff.com टाइप करते हो और ये इमीडिएटली जाता है, ओके, एक कंप्यूटर के डब्बे पे, ओके, और ये है Rediff का सर्वर, Rediff का सर्वर। दिस इज नथिंग बट ए Rediff का सर्वर, ओके, ये कंप्यूटर का डब्बा है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये वाला सिनारियो इज कॉल्ड क्लाइंट एंड दिस वाला सिनारियो इज कॉल्ड सर्वर। एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे क्लाइंट, एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे सर्वर। तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर? व्हिच डिवाइस इज अ क्लाइंट डिवाइस, व्हिच डिवाइस इज अ सर्वर डिवाइस? द डिवाइस व्हिच सेंड द रिक्वेस्ट इज कॉल्ड क्लाइंट डिवाइस, द डिवाइस व्हिच प्रोसेस द रिक्वेस्ट इज कॉल्ड सर्वर डिवाइस। द डिवाइस व्हिच सेंड द रिक्वेस्ट इज कॉल्ड क्लाइंट डिवाइस, द डिवाइस व्हिच प्रोसेस द रिक्वेस्ट इज कॉल्ड सर्वर डिवाइस। तो सबसे पहले एक बार, ओके, ये कॉपी कर लीजिए, ये वाला पॉइंट कॉपी कर लीजिए, हेडिंग डालना आपने इसमें, EIS डालना अपने नोट्स में, EIS करके लिखना और EIS के नीचे लिखना कॉमन पूल इररिस्पेक्टिव ऑफ चैप्टर। यहां पर कोई चैप्टर का डिस्कशन नहीं आएगा मालिक, कॉमन पूल रहेगा, कॉमन पूल हेडिंग दीजिए, ओके, और कॉमन पूल के नीचे ये कंटेंट को डालिए मालिक, कॉमन पूल, ओके, और फर्स्ट पॉइंट डालिए मालिक, फर्स्ट पॉइंट डालिए क्लाइंट एंड सर्वर। फर्स्ट पॉइंट डालिए क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर, और ये डायग्राम जैसा है वैसा बना लीजिए और यही डायग्राम बनाइए अपने हिसाब से। जो जीमेल वीमेल मत डालिए क्योंकि ये मेरे को आगे वापस चाहिए, ये मेरे को डिस्कशन में चाहिए। तो अपने घर की खेती मत उगाइए, ओके, तो जो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं वो एग्जांपल के हिसाब से ही आप रखना, बिकॉज ये एग्जांपल मेरे को आगे जब उसको और कुछ और लिंक करना होगा वो आराम से लिंक हो जाएगा। अगर बाई चांस एग्जाम्पल आपने इसमें डाल दिया www.gmail.com और उधर जीमेल का सर्वर डाल दिया, तो शायद मैं लिंक और जो लिंक करना है ना वो कर नहीं पाऊंगा। लेटर ऑन आपको समझ में आ जाएगा, तो आगे डिस्कशन में आएगा। तो यही डालिए, rediff.com ही डालिए, rediff.com ही डालिए। मैं बाद में समझाऊंगा उसका कारण क्या है, आई विल डिस्कस विद यू लेटर ऑन, राइट नाउ अभी उसको हेडेक मत करिए, ये थोड़ा धीरे धीरे लेक्चर जाते रहेगा उस टाइम पे डिस्कशन करेंगे। rediff.com डालिए एक कंप्यूटर के डब्बे पे, और एक कंप्यूटर का डब्बा होगा Rediff सर्वर, जो क्लाइंट होगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा और जो सर्वर होगा वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा।
क्लाइंट इज ए कंप्यूटर, क्लाइंट इज ए कंप्यूटर, विच सेंड द रिक्वेस्ट, क्लाइंट इज ए कंप्यूटर विच सेंड द रिक्वेस्ट। एंड सर्वर इज द कंप्यूटर विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट। क्लाइंट इज द कंप्यूटर विच सेंड द रिक्वेस्ट एंड सर्वर इज द कंप्यूटर विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट। Client is the computer which send the request and server is the computer which process the request. Mere kaise malik clear? Malik concept ke liye samajhne ki koshish karo. Okay. To jo dabba request bhejega, jo dabba request bhejega. Okay, जो डब्बा रिक्वेस्ट भेजेगा, मेरे को अभी तक कुछ समझ में आने नहीं आया चैट का, तो तब तक एक थोड़ा सा टाइम आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं। जो डब्बा मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा ओके वो होगा क्लाइंट का डब्बा, और जो डब्बा रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा वो होगा ओके सर्वर का डब्बा। प्लीज डू अंडरस्टैंड, सर्वर के डब्बे पे डब्बे के पास टेराबाइट्स होता है। ओके क्लाइंट का डब्बा कितने का आता है, आपका मोबाइल कितने का आता है, आपका लैपटॉप कितने का आता है, हार्डली मतलब अगर अपन बात करें 20,000, 40,000, 1,00,000 रुपए ओके 1.5 लाख ओके एप्पल वेपल ले लिया तो तूने 2 लाख तक पहुंच गया। बस ये सिनेरियो है, दिस इज योर क्लाइंट डिवाइस। सर्वर का डब्बा में क्रॉस्ड अप टू करोड़, सर्वर जब आपको डालना होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में करोड़ ऑफ रुपीस जा सकते हैं। आप ये समझिए, दोनों कंप्यूटर है मालिक, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कंप्यूटर है। अगर आप बात करोगे कंप्यूटर है या नहीं है, दोनों कंप्यूटर है, लेकिन फर्क इतना ही है कि दोनों का जो प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज है ये जमीन और आसमान का फर्क है। एंड दैट्स व्हाट द डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके अभी एक चैट चालू हुई है मालिक। ओके चैट शुरू हुई है। Yes, अभी मैसेज आ रहा है मालिक। ओके मैसेज आ रहा है अभी है, नाउ आई विल बी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे को अभी वो थोड़ा सा मैसेज की वजह से इंटरेक्शन करने में जम रहा भाई। ओके तो तोड़ मालिक, तो मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ गया ये, तो इस पॉइंट को फ्रीज करें, आपने लिख भी लिया मालिक, परफेक्ट। ओके अब मेरे क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से बताइए। ओके एक क्वेश्चन दीजिए मालिक। यस यस अभी सब चैट आ रही है, तोड़ मालिक। रिक्वेस्ट जो हो चाहिए वो हो सकती है ना अनूप? ओके रिक्वेस्ट क्या हो सकती है मालिक? रिक्वेस्ट कैन बी एनीथिंग ना। रिक्वेस्ट आपको वेब पेज खोलने का हो सकता है, एग्जांपल आप जब रेडिफ पे जाते हो तो रिक्वेस्ट क्या होता है, रेडिफ पेज खोलो। ओके अब मेरे को बता, फ्लिपकार्ट पे आप ट्रांजेक्शन करते हो तो रिक्वेस्ट क्या हो सकता है, ट्रांजेक्शन प्रोसेस करो। रिक्वेस्ट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अप टू यू कि आपको रिक्वेस्ट क्या करना है। मेरे को बताओ, जब अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका रिक्वेस्ट क्या होता है, हाँ भाई फ्लिपकार्ट में, अरे हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन क्लोज कर। ओके तो कॉन्सेप्चुअली इधर तक फ्रीज कर देगा मालिक, तो रिक्वेस्ट कैन बी एनीथिंग। यस यस चालू हो गया, एंड आई एम ऑल्सो नाउ बेटर विथ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तोड़ मालिक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अब अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अभी मैं पढ़ा रहा हूं भाई, ऐसा ऐसा सीन है। तोड़ थैंक यू सुवन सर, थैंक यू। आईएसपी वाईएसपी छोड़ दो, आईएसपी में तुम किस घुसो ही मत, क्लाइंट और सर्वर का पॉइंट एक बार बता रहा हूं मैं मालिक। तो एक बार समझा देता हूं। रीना मैडम आप पूछ रहे हो, ओके कंप्यूटेशन को छोड़, कंप्यूटर क्या, जिधर जिधर डिस्कशन होगा वो वहां पर क्लाइंट सर्वर आएगा, लेकिन अपना मेन डिस्कशन कंप्यूटर रिलेटेड जा रहा है, इसीलिए मैं कंप्यूटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मालिक। ओके टीवी मतलब टेराबाइट्स बेटा, टेराबाइट्स होता है, टीवी मतलब टेराबाइट्स होता है। यस उदय आज का भी अपडेट करेंगे, फ्रीज करते हैं, परफेक्ट। ओके तो एक बार कॉन्सेप्ट समझिए मालिक, कॉन्सेप्चुअली समझिए, एक लास्ट पॉइंट अपने वापस बात करता हूं मालिक। ओके श्रीधर ये, अरे तो मेरे को भी वही पॉइंट लगता है मालिक। प्रांशु बोलती है कि दिस पॉइंट इज वैलिड विद कंप्यूटर। मेरे को बताओ, ओके मैंने आपको कॉन्सेप्टली क्या बताया, अपन के इसमें भी तो क्लाइंट सर्वर ला सकते हैं। ये वर्ड जो यूज किए जाते हैं ये कंप्यूटर के रिलेटेड यूज किए जाते हैं, लेकिन इट डज नॉट मीन ओनली कंप्यूटर। एवरी वर्ड विच इज यूज बाई कंप्यूटर ना इज एक्चुअली लिंक्ड विद अस ओनली, अपन जो जैसे रियल लाइफ में वैसे ही कॉन्सेप्ट है मालिक। तो कॉन्सेप्टली ये पॉइंट आप ध्यान रखना मालिक। तो कॉन्सेप्टली यहां पर अपने लिए कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं मालिक। ओके तो यहां पर फ्रीज करते हैं।
सर्वर के पास तो तोड़ तोड़ डिवाइस रहता मालिक, ठीक है, गिव मी अ करेक्ट आंसर नाउ. ओके, कॉमन पूल मतलब जनरल पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स व्हिच इज एप्लीकेबल टू ऑल चैप्टर्स, व्हिच इज एप्लीकेबल टू ऑल चैप्टर्स मालिक. परफेक्ट, ओके, परफेक्ट. फ्रीज करते हैं. अब मेरा क्वेश्चन का एक आंसर दो. कैन क्लाइंट, कान खुले हैं सबके कान खुले, एक्सेस, ऐसा मैं एक्सेस को बोलता हूं, टेंशन मत लेना. मैं जब भी एक्सेस प्रोनाउंस करता हूं तो मेरे अंदर की अमित तातेड़ की एकदम भयंकर आत्मा बाहर आ जाती है. एक्सेस मतलब क्या? ओके, एंट्री करना. ओके, आप अपने घर में एंट्री करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस. एसेस नहीं, गलत प्रोनाउंसिएशन मत करना. एसेसमेंट का वर्ड एसेस हुआ, वो एसेस अलग है, ये एक्सेस है, एक्सेस घुसना. ओके, अपनी एंट्री करना, अपने सिस्टम में एंट्री करना. अभी आप जैसे ये पॉइंट ये कर रहे हो, ओके, आप कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो, यू आर एंटरिंग इनटू द सिस्टम. आप मेरा लेक्चर व्यू कर रहे हो, यू आर एंटरिंग इनटू द सिस्टम ना मालिक, यू आर एंटरिंग इनटू द सिस्टम. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस. इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस. ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, कैन क्लाइंट एक्सेस मल्टीपल कंप्यूटर, मल्टीपल सर्वर्स? क्या एक क्लाइंट बहुत सारे सर्वर एक्सेस कर सकता है क्या? एक सिंपल एग्जांपल बात करूं, जब आप www.facebook पे हो, क्या आप जीमेल पे भी जा सकते हो? ओके, उसी टाइम पे क्या आप रेडिफ में भी जा सकते हो? उसी टाइम पे मतलब जो आप जाते हो मल्टीपल वेबसाइट में. ओके, आंसर इज यस. प्रबल का आ गया, ओके, अविका का आ गया, जॉयदेव का आ गया, अनुज, ऑलमोस्ट सब लोग का आ गया, एंड सब लोग का आंसर यस है. परफेक्ट लॉजिक आपने लगाया. यानी याद रखना, एक क्लाइंट कैन एक्सेस मल्टीपल सर्वर, परफेक्ट. फ्रीज करते हैं अभी इसको. नाउ यू टेल मी अदर वे राउंड, कैन सर्वर कैन सर्वर एक्सेस का वर्ड गलत मत लिखो. किसने तो गलत लिखा है. एक्सेस का मतलब उसने एक्सेस ऐसा लिखा, ज्यादा एक्सेस नहीं, एक्सेस घुसना. दैट इज कॉल्ड एक्सेस. इन टेक्निकल वर्ड वी आर यूजिंग एक्सेस फॉर एंट्री. घुसना दैट इज कॉल्ड एक्सेस. एक्सेस मतलब एक्सेस नहीं, ज्यादा नहीं भाई, EXCSS नहीं, ACCESS, एक्सेस. अरे आप जिसके रिलेशन में लेना चाहते हो ले लीजिए सौरभ, देर इज नो कॉन्सेप्ट. अभी आप कंप्यूटर के रिलेशन में लो ही मत. आपको मैं कंप्यूटर के रिलेशन में बता रहा हूं आपको, जिसमें मेरे को बताओ, आप घर में भी तो एक्सेस करते हो. अभी अगर आपकी फिजिकल एक्सेस मतलब यूज नहीं रहे, एक्सेस मतलब गेनिंग एन एंट्री. मेरे को बताओ, ओके, आपके घर में भी आप जब जाते हो एक्सेस होता है ना मालिक. ओके, तो अपन एक्सेस के इसमें बात कर रहे हैं. ओके, तो याद रखना, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सेस, ये आपको ध्यान रखना होगा मालिक. यस, दिया, टेक केयर, थैंक यू मालिक. ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है, यूज करना तो इज समथिंग डिफरेंट. यूज करने को अपन रोहित आगे देखेंगे. ओके, आप जो लॉगिन कर रहे हो अपने सिस्टम में, दैट इज नथिंग बट एक्सेस. घर में आपके पास ताला चाबी है और आप ताला चाबी से मतलब चाबी से ताला खोल रहे हो, आप घर में क्या कर रहे हो? एक्सेस. आप बिल्डिंग में जाते हो, ओके, एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, बोलता है किधर जाना है. ओके, आप बोलते हो थर्ड फ्लोर पे जाना है. ओके, सिक्योरिटी गार्ड बोलता है आप ऑथराइज पर्सन हो गया. यस, तो क्या देता है वो? एक्सेस. एक्सेस कंप्यूटर में भी एक्सेस ही होता है, रियल लाइफ में भी एक्सेस होता है. आप फिजिकली भी जाते हो तो एक्सेस है. ओके, कंप्यूटर में भी आते हो तो एक्सेस है. ओके, तो एक्सेस की बात कर रहे हैं. तो अभी मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं, कैन क्लाइंट एक्सेस मल्टीपल सर्वर? आंसर इज यस. एक क्लाइंट बहुत सारे सर्वर को एक साथ में एक्सेस कर सकता है, यानी एंट्री कर सकता है. अगर आप रेडिफ मेल पे हो तो आप फ्लिपकार्ट पे भी रह सकते हो, आप याहू पे भी रह सकते हो, आप जीमेल पे भी रह सकते हो. देयर इज नो कंपल्शन कि आप एक ही सर्वर पे रहिए. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस. ओके, यहां पर अपने कॉन्सेप्ट डिस्कशन में करना मालिक. सौरभ, वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम ए कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू ओनली. अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन इज, कैन सर्वर सर्विस मल्टीपल क्लाइंट्स?
क्या एक सर्वर बहुत सारे क्लाइंट को सर्विस दे सकता है? जैसे आपने बोला एक क्लाइंट बहुत सारे सर्वर को एक्सेस कर सकता है, क्या क्लाइंट क्या सर्वर बहुत सारे क्लाइंट को सर्विस दे सकता है? आंसर इज यस। तो क्लाइंट भी बहुत सारे सर्वर को एक्सेस कर सकता है, एक सर्वर भी बहुत सारे क्लाइंट को सर्विस देगा। एग्जाम्पल, जब आप फेसबुक के सर्वर को यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या दूसरा कोई फेसबुक का सर्वर यूज नहीं कर पाएगा? मालिक 100% यूज कर पाएगा। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यानी क्लाइंट हो या सर्वर हो, क्लाइंट भी बहुत सर्वर के पास जा सकता है और सर्वर भी बहुत सारे क्लाइंट को सर्विस दे सकता है। ये आपको पहला पॉइंट फ्रीज करना है, तो दिमाग में ये फ्रीज कर दीजिए। ओके, इसको दिमाग में रख दीजिए। ओके, इसको दिमाग में अभी फ्रीज कर दीजिए। मालिक यशवी, वापस मैं बताता हूं, कुछ टेंशन नहीं है। ओके, ये फ्रीज कर दिया मालिक, तो परफेक्ट, इसको फ्रीज कर दिया। अब यहां पर अपन अगली बात करेंगे। ओके, दैट इज व्हाट योर सेकेंड कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर। बिफोर दैट, ओके, एक बार मैं वापस लास्ट टाइम फ्रीज कर देता हूं, एक बार छोटा सा पॉइंट वापस रिपीट कर देता हूं ताकि किसका बफरिंग हुआ कुछ हुआ तो वापस है। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अपन ने डिस्कशन में अभी आज के कॉमन पुल के डिस्कशन में, एक होता है क्लाइंट कंप्यूटर, एक होता है सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर कंप्यूटर रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है। ओके, क्लाइंट बहुत सारे सर्वर को एक्सेस कर सकता है और सर्वर बहुत सारे क्लाइंट को एक साथ में सर्विस दे सकता है। ये अपना डिस्कशन था मालिक, बात खत्म। एक्सेस अगर किसी को समझ में नहीं आया ना तो अपन उसको डिस्कशन लेटर ऑन करते हैं। ओके शशांक, ओके, हाउ क्लाइंट कैन एक्सेस मल्टीपल सर्वर, क्या मजा कर रहा है? एग्जांपल, व्हेन यू आर ऑन flipkart.com, जब आप कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठो और टाइप करो www.flipkart.com, उस टाइम पे वो जब उसको मिनिमाइज करके, आप जीमेल पे नहीं जा सकते, जीमेल को मिनिमाइज करके रेडिफ पे नहीं जा सकते, रेडिफ को मिनिमाइज करके ओके और एक याहू पे नहीं जा सकते, आप मल्टीपल वेबसाइट पे जा सकते हो ना मालिक। ओके, अपने मोबाइल में आप देखो कितने सारे वेबसाइट आप खुली हुई रहती है। ओके, दैट इज नथिंग बट यू आर एक्सेसिंग मल्टीपल सर्वर। ओके, यू आर एक्सेसिंग मल्टीपल सर्वर। एक्सेस करना मतलब एंट्री करना, यानी आप एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हो, वो कंप्यूटर में घुस रहे हो। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये हो गया तेरा कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस। परफेक्ट, इधर तक क्लियर करें मालिक। ओके, अब इस एक्सेस को अपन थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे मालिक। अब ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, टेक अ गुड टाइम। ये कॉन्सेप्ट अपना थोड़ा सा बड़ा है, टेक ए गुड टाइम। ओके, यही कॉन्सेप्ट अपना मेजर जाएगा आज के टाइम में, और ये कॉन्सेप्ट पूरा ईआईएस इसी के ऊपर निर्भर है। ये याद रखना, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं इसी के ऊपर निर्भर है पूरा ईआईएस मालिक। प्लीज प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना मालिक। ओके, मेरे को बताइए एक्सेस किसको देना चाहिए? ये सर्वर को भी कोई कंट्रोल करता है हिमांशु, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर अपन बाद में देखेंगे मालिक। मेरा क्वेश्चन है, ओके, पार्किंग लॉट में डाल दिया, परफेक्ट। मेरा क्वेश्चन है एक्सेस किसको देना चाहिए, ऑथराइज यूजर या अनऑथराइज यूजर? ऑथराइज यूजर या अनऑथराइज यूजर, एक्सेस किसको देना चाहिए मालिक? अब एक्सेस की बात कर रहा हूं, एक्सेस की बात कर रहा हूं, एक्सेस की बात कर रहा हूं। एक्सेस आप किसको दोगे, ऑथराइज यूजर अनऑथराइज यूजर? क्लाइंट वाइन छोड़ दो, क्लाइंट वाइन का डिस्कशन खत्म, उसको फ्रीज कर दीजिए, वो फ्रीज कर दीजिए, उसको वापस जब मैं निकालूंगा तब ले लेंगे। ओके, जो ऑथराइज यूजर है या अनऑथराइज यूजर को? सबको देंगे, भास्कर बोलता है सबको देंगे, मां कसम भास्कर। ओके, बस्कर, भास्कर बस्कर, अरे क्या मजा कर रहा है, सबको देगा अनऑथराइज पर्सन, यानी तेरे घर पे कोई भी घुस सकता है। ओके, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, कौन घुसना चाहिए अपने घर पे, कौन घुसना चाहिए अपने सिस्टम में, कौन घुसना चाहिए अपने कंप्यूटर में, कौन एंटर करना चाहिए? हु शुड एंटर इनटू अवर सिस्टम? इट इज ओनली ऑथराइज पर्सन, यानी व्हेन द एक्सेस इज गिवन ओनली ऑथराइज शुड एंटर, अनऑथराइज पर्सन शुड नॉट एंटर। ऑथराइज, ओके, ऑथराइज पर्सन शुड एंटर, ऑथराइज पर्सन शुड एंटर, अनऑथराइज पर्सन ने एंटर नहीं करना चाहिए। परफेक्ट 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 परफेक्ट, फ्रीज करते हैं। ऑथराइज यूजर ने ही एक्सेस करना चाहिए, अनऑथराइज यूजर ने एक्सेस नहीं करना चाहिए। भारत माता की जय। ओके, यहां पर फ्रीज करते हैं, परफेक्ट। यस सर, ऑथराइज यूजर को ही एक्सेस करना चाहिए। अप्रितम, अप्रितम, जतिन, परफेक्ट परफेक्ट, सब लोग का लॉजिक आ गया। ओके, ऑथराइज पर्सन, अब मेरे को कोई समझाएगा, ओके, किस बेस पे करना चाहिए? नागपल, ओके, नागपल बताता हूं, वो बात करता हूं। ऑथराइज अनऑथराइज या आप डिसाइड करिए, आपके घर पे कौन आएगा, वो ऑथराइज पर्सन कौन है, आप मुझे लिस्ट दोगे। एग्जांपल, मेरे घर पे कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, ये मैं लिस्ट बनाऊंगा ना, ऑथराइज पर्सन कौन है, ऑथराइज पर्सन कौन नहीं है। ओके, घर के ओनर जो रहेंगे वो डिसाइड करेंगे ऑथराइज कौन है, ऑथराइज कौन नहीं है। उसी तरह जो सिस्टम का ओनर रहेगा, जो सिस्टम का ओनर रहेगा वो बताएगा ऑथराइज कौन है, ऑथराइज कौन नहीं है।
ओके okay, आप कैसे एक्सेस कर पा रहे हो, आप कैसे एक्सेस कर पा रहे हो ये सिस्टम अभी अभी एक्सेस कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि भाई ओके प्रोवाइज ने एंश्योर किया कि आप ऑथराइज यूजर हो. तो हु इज डिसाइडिंग? आई एम नॉट डिसाइडिंग हु इज ऑथराइज यूजर. प्रोवाइज इज डिसाइडिंग हु इज द ओनर ऑफ दिस सिस्टम. हु इज द ओनर ऑफ दिस सिस्टम? ओके सर, हु डिसाइड ऑथराइज अनऑथराइज? पहले ये समझ लीजिए, कौन डिसाइड करेगा ये ऑथराइज है या अनऑथराइज है? कौन डिसाइड करेगा? मालिक. डिसाइड करने वाले जो होंगे वो होंगे ओनर्स. एग्जाम्पल मेरे को बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे घर पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मेरे घर पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा. ओके आप एग्जाम्पल मत दीजिए, लॉग इन आईडी तो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं उस पर, कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूं उस पर देखिए. मेरे घर पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये डिसाइड करने वाला कौन होगा? अमित तातेड़ी होगा ना. अमित तातेड़ है, विजय तातेड़, मतलब मेरे पापा है, मम्मी है, ये सब घर वाले मिलके, यानी जो जो ओनर्स है घर के वो बताएंगे ना रे, जो घर के ओनर है. ओके उसी तरह सिस्टम का भी तो कोई ना कोई ओनर होगा ना. सिस्टम का जो ओनर होगा वही तो बताएगा कि इस सिस्टम में कौन ऑथराइज है कौन ऑथराइज नहीं है. एग्जाम्पल मेरा सिस्टम भाई ये यूज कर सकता है ये यूज नहीं कर सकता. दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथराइज्ड. ओके व्हेन यू डिस्कस अबाउट ऑथराइज दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर. तो ओनर विल डिसाइड हु इज ऑथराइज हु इज अनऑथराइज. ठीक है इसको फ्रीज कर देवे. ओनर मालिक डिसाइड करेगा. परफेक्ट. मालिक डिसाइड करेगा ऑथराइज होना चाहिए या अनऑथराइज होना चाहिए. भारत माता की जय. मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया. ओके अब मेरे को बताओ सर, वाइफ मेन ओनर होती है. सत्यभ्राता. वाह सत्यभ्राता क्या बात कहे, वो बात कहे हैं आप. वाइफ मेन ओनर होती है. जबरदस्त तोड़ ओनर होती है. तोड़ ओनर होती है. वाइफ के ऊपर डिस्कशन अपन बाद में करेंगे मालिक. ओके वाइफ के ऊपर डिस्कशन बाद में करेंगे मालिक. तोड़. ओके तो अभी अपन बात करते हैं. तो लेखनी तोड़ मालिक. मेरे जैसे स्ट्रीमिंग बराबर हो रहा है, मेरे जैसे इंटरनेट का भी कनेक्शन गया है, बफरिंग का है, तो थोड़ा सा पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है. देखिए आपके इधर. ओके ठीक है सर, मैं समझ गया. ऑथराइजेशन कौन डिसाइड करेगा? ओनर डिसाइड करेगा. ओके मेरे को अब आप एक चीज को समझाइए, कैसे हम एंश्योर करेंगे, कैसे, देखो मैं एकदम बारीकी से और बेसिक में जा रहा हूं, कैसे हम एंश्योर करेंगे बार बार रिपीट कर रहा हूं. ओके हम कैसे एंश्योर करेंगे कि खाली ऑथराइज पर्सन इधर आवे सिस्टम में आवे और अनऑथराइज नहीं आवे. हम कैसे एंश्योर करेंगे ऑथराइज पर्सन ही सिस्टम में आवे, अनऑथराइज पर्सन सिस्टम में नहीं आवे. हम कैसे एंश्योर करेंगे ओके जतिन ने कहा लाइक प्रोवाइज डिसाइड करता है कि कौन स्टूडेंट कौन सा क्लास देखेगा. ठीक है गुड इनफ. सिस्टम मेन ओनर क्यों है? अरे मार के सिस्टम का मेन ओनर ही है. ओके प्राची ने बोला रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने का. ओके केशव ने बोला सिक्योरिटी. वासु ने बोला सिक्योरिटी पासवर्ड. किसी ने बोला लॉग इन आई डी पासवर्ड टू गिव ऑथराइज आई डी. फोन में तो फिंगरप्रिंट है बाय डिटेल्स कुछ प्रोटेक्शन लगाकर स्पेशल टिकट शो करेगा. ओके आधार कार्ड चेक करना परफेक्ट. अरे मतलब मां कसम नाम लेते लेते मैं खत्म हो रहा हूं. ओके टर्म्स एंड कंडीशंस इंफॉर्मेशन पॉइंट है लॉग इन आई डी सिक्योरिटी पासवर्ड जबरदस्त. ओके आप जो बोल रहे हो परफेक्ट है, लेकिन आप है ना एग्जाम्पल्स दे रहे हो, आप इन चीजों का एग्जाम्पल दे रहे हो. तो ये सारी चीजें है क्या? आप ये जो बोल रहे हो ये सब है क्या? ये सब कुछ है. इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्स. क्या बोलते हैं मालिक? कंट्रोल. क्या बोलते हैं मालिक? कंट्रोल्स. कंट्रोल्स सिस्टम पे कंट्रोल होने चाहिए. और इस कंट्रोल को हम थोड़ा सा नाम बढ़ा के देंगे और इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल. कौन सा नाम मालिक? वापस आते हैं. कौन सा नाम? ओके आप जो एग्जांपल दे रहे हो आप एग्जांपल बंद कर दो. अब मेरे को बताओ ओके यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे? आपने जो जो एग्जांपल दिए लॉगिन आईडी पासवर्ड्स इंक्रिप्शन ओके बायोमेट्रिक जो भी रहोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस कंट्रोल. उसको हम क्या बोलेंगे मालिक? एक्सेस कंट्रोल. एक्सेस कंट्रोल दिया जाना चाहिए. यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सीक्रेट कोड ओटीपी व्हाटएवर इट में भी ओके जो भी ताला वाला सब सब चीज इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल. क्या बोलेंगे मालिक? एक्सेस कंट्रोल. सबसे पहले दिमाग में रखिए, दिमाग में रिपीट करिए, इसको दिमाग में फ्रीज कीजिए. वापस बोल रहा हूं, सबसे पहले पॉइंट को आपने पार्किंग लॉट में डाल दिया होना चाहिए. सेकंड पॉइंट में जा रहा हूं चालू कर रहा हूं. अब क्या सेकंड पॉइंट में क्या समझा रहा हूं? सेकंड पॉइंट में जो मुझे समझाना है एक्सेस कंट्रोल के प्रकार. टाइम लगेगा मालिक ये कॉन्सेप्ट को, बहुत टाइम लगेगा. ये कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो तेरा बहुत बड़ा बैकग्राउंड ईआईएस का क्लियर हो जाएगा. ओके
आराम से आराम से। ओके वापस आता हूं मालिक, ओके वापस आता हूं। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। ओके वापस आते हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड पॉइंट किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जो येलो किया उसके ऊपर देखिए, हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं एक्सेस कंट्रोल पे। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके आराम से, एक्सेस कंट्रोल क्यों चाहिए? कान खुले, मैं खुद समझाते जा रहा हूं, सुनते जाइए। एक्सेस कंट्रोल इसलिए चाहिए ताकि सिस्टम का एक्सेस ऑथराइज यूजर को हो, सिस्टम का एक्सेस अनऑथराइज यूजर को नहीं होना चाहिए। ओके समझो शुरू, मैं जब सिस्टम बोल रहा हूं यहां पर तो मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा हूं। इट मे बी क्लाइंट, इट मे बी सर्वर, क्लाइंट हो या सर्वर हो डजंट मैटर। मैं इधर जो सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शन कर रहा हूं कंप्यूटर पे। इट मे बी क्लाइंट, इट मे बी सर्वर, क्लाइंट का हो या सर्वर का हो, एक्सेस सिर्फ ऑथराइज पर्सन को मिलना चाहिए। इसीलिए इस पे एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए। ओके इसीलिए इस पे एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए। भारत माता की जय। तो मेरे को आप बताइए, ओके मेरे को आप बताइए, मतलब मैं बता रहा हूं, ओके कितने प्रकार के एक्सेस कंट्रोल है। सो हियर नाउ यू आर, नहीं नहीं नोट नहीं करना है, नोट मैं लास्ट में लिखाऊंगा, अभी कुछ भी मत करो नोट्स, अभी अभी मत बनाओ नोट्स, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते जाइए, एग्जांपल देते जा रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल ही है। ये अप्रोक्सीमेटली अपना हाफ एन आवर ये खाएगा, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। बहुत अच्छे से समझिए, बहुत टाइम लगेगा, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, इसमें लास्ट तक ऐसा होता जाएगा जब तक आप उसको अच्छे से नहीं समझेंगे ना, बहुत क्लैरिटी नहीं आएगी भाई इसके अंदर। मेक इट श्योर यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो समझते जाइए आप नोट्स में मत जाइए, अभी अभी सिर्फ मैं एग्जांपल बोलते जा रहा हूं, और लाइव इसमें अगर बफरिंग वफरिंग जो भी हो रहा होगा तुम उसको बरोबर समझो, एग्जांपल को समझो मालिक। ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल आर देयर मालिक? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। तुषार ओके आराम से, सब लोग ध्यान दीजिए। ओके टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, कान खुले। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल को शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं एसी। ओके एंड सेकंड इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, नहीं नहीं यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट यार, क्या एक ही क्वेश्चन पूछते हो? अरे अभी कुछ मत लिखना है, अभी तुमको कुछ नहीं लिखना है, लास्ट में बाद में लिखेंगे अपन, पहले आप सिर्फ सुनने में रहो, आधा घंटा आप सिर्फ एग्जांपल और समझने में जाओ। ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, हेल्प मी आउट आराम से सबके सब इधर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, वन इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड वन इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। वापस बताइए मालिक, ओके वापस वापस आत्मा वापस वापस, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। मैं बस बता रहा हूं, दिस इज नॉट ए टाइप्स ऑफ एक्सेस, दिस इज ए टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। ईआईएस में अगर प्रॉब्लम हुई, एसएम में ये चीज थोड़ा सा मैनेजेबल है, एसएम में ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ईआईएस में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम होगी सिर्फ क्वेश्चन की आंसर तेरे को तोड़ कॉन्सेप्चुअली रटा हुआ रहेगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन का प्रॉब्लम आएगा। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। अपने सिलेबस में और एक क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ एक्सेस, जब बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेस, तो इसीलिए अभी ध्यान में रखना, फ्रीज करो दिमाग में, टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल आर देयर। एक्सेस कंट्रोल, इट इज नॉट टाइप्स ऑफ एक्सेस, इट इज टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अभी बात करते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को बाजू में रखते हैं। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल गलत हो जाएगा प्रियांशी। ओके आप बोल रहे हो फिंगरप्रिंट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, कहां से मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ा आपको फिजिकल एक्सेस कंट्रोल? ओके प्रियांशी आपने बोला फिंगरप्रिंट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, मेरे को आप बताइए आप कैसे बोल रहे हो फिंगरप्रिंट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है? मैं बता रहा हूं फिंगरप्रिंट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल भी हो सकता है। ओके इसीलिए क्लियरली समझिए, आप गड़बड़ मत करिए, घाई मत करिए। ओके ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही उंदा उंदा, बहुत ही उंदा। ओके दुनिया पलट जाएगी रे, जज्बात बदल जाएंगे तेरे, अरे सारे सारे इंसान सब चले जाएंगे रे, ऐसे ऐसे करते बैठेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बहुत भारी है मालिक, भारी है। इसीलिए डोंट टेल मी फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक, जो बोलते हैं ना बायोमेट्रिक, ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, गलत कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को समझिए क्या बता रहा हूं मैं। ओके ताला चाबी, नहीं नहीं भाई ताला चाबी भी, अरे आप पहले कॉन्सेप्टली समझिए मालिक। ओके फिजिकल एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या? ओके फिजिकल एक्सेस कंट्रोल टैंजिबल रिसोर्स का, टैंजिबल रिसोर्स का, टैंजिबल रिसोर्स का। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, आई एम डिस्कसिंग ओनली फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। टैंजिबल रिसोर्स का एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करना, टैंजिबल रिसोर्स का एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करना, टैंजिबल रिसोर्स। कौन से चैप्टर का कॉन्सेप्ट है नीति? अरे मैं चैप्टर में नहीं जा रहा हूं, आप चैप्टर छोड़ दीजिए, ये मल्टीपल चैप्टर्स में आपको कौन से चैप्टर में बताऊ ये मैं।
ये आपको चैप्टर टू में मिलेगा, चैप्टर थ्री में मिलेगा, चैप्टर वन में मिलेगा, बहुत सारे चैप्टर है यार। अभी आज चैप्टर के ऊपर डिस्कशन मत करिए ना, आप नोट्स में ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, मैं जो समझा रहा हूं उसमें समझिए। ओके, टैंजिबल रिसोर्सेस का, टैंजिबल रिसोर्सेस का, टैंजिबल रिसोर्सेस, टैंजिबल रिसोर्सेस का एक्सेस करने के लिए जो कंट्रोल डाला जाएगा, टैंजिबल रिसोर्स का एक्सेस करने के लिए जो कंट्रोल डाला जाएगा उसको हम बोलेंगे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। टैंजिबल रिसोर्स का एक्सेस करने के लिए जो कंट्रोल डाला जाएगा उसको हम बोलेंगे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। यानी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल इज यूज टू एंश्योर ऑथराइज एक्सेस, इज यूज टू एंश्योर ऑथराइज एक्सेस टू विच रिसोर्सेस, टैंजिबल रिसोर्सेस, टैंजिबल रिसोर्सेस, टैंजिबल रिसोर्सेस। श्रुति आराम से, आराम से। ओके, टैंजिबल रिसोर्सेस, आराम से, आराम से। प्लीज अंडरस्टैंड, टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करना है, टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करना है, टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करना है, उसको ऑथराइज एक्सेस हो, इसके लिए अपन जो कंट्रोल डालेंगे वो होगा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। कान खुले, इधर तक फ्रीज करें मालिक, स्टॉक वर्क कुछ नहीं करने के लिए मालिक, स्टॉक वर्क छोड़ दीजिए। अभी आप कुछ भी एग्जांपल मत दीजिए, मेरे पास एग्जांपल आने दीजिए, आप कोई भी एग्जांपल मत दीजिए, आप लिखे भी मत, लिखोगे तो क्या होता है मैं रिस्पॉन्ड करने के चक्कर में रहता हूं और वो रिस्पॉन्ड करते वक्त दिक्कत आती है मालिक, तो आप कोई भी एग्जांपल मत दीजिए, मेरे ऊपर एग्जांपल छोड़िए, पहले मेरा आंसर समझिए। ओके, व्हाट इज अ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल? ओके, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल इज एन एक्सेस कंट्रोल विच एंश्योर ऑथराइज एक्सेस टू टैंजिबल रिसोर्सेस, विच एंश्योर ऑथराइज एक्सेस टू टैंजिबल रिसोर्सेस। कोई टैंजिबल रिसोर्सेस है, कोई टैंजिबल रिसोर्सेस है, उसको एक्सेस करने के लिए जो कंट्रोल चाहिए वो होता है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। कोई टैंजिबल रिसोर्स है उसको एक्सेस करने के लिए जो एक्सेस करना है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। आराम से, हाँ आराम से समझा रहा हूं, आराम से घाई मत कीजिए, वापस वापस समझा था, आराम से, टेक योर टाइम। मैंने आपको बोला ये सब कॉन्सेप्ट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये मैं फर्स्ट डे क्लियर कर देता हूं क्योंकि ताकि सारी चीजें दिक्कत बाद में आ जाए, बाद में इस पॉइंट पे डिस्कशन नहीं आना चाहिए भाई। ओके, टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, टैंजिबल, ओके, टैंजिबल, टैंजिबल कंप्यूटर का लैपटॉप है, वॉट एवर, सर्वर का डब्बा है, जो भी है, टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको कौन सा चाहिए? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। कान खुले, तो अभी आपका इसका, इसके ऊपर क्या आपका अगला पॉइंट क्या आएगा सर? फिर मतलब लॉजिकल क्या है? लॉजिकल को बाद में देखेंगे, क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर इनटैंजिबल रिसोर्स स्टोर्ड इन टैंजिबल मीडिया है, कान खुले, हाँ गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी मालिक, अगर आपकी आत्मा गई तो गया, गया कॉन्सेप्ट गया। ओके, इनटैंजिबल रिसोर्सेज स्टोर्ड ऑन टैंजिबल मीडिया, इनटैंजिबल रिसोर्सेज स्टोर्ड ऑन टैंजिबल मीडिया, ओके, इनटैंजिबल रिसोर्सेज स्टोर्ड ऑन टैंजिबल मीडिया, टैंजिबल मीडिया पे स्टोर है और वो टैंजिबल मीडिया को एक्सेस करना है तो भी ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। लॉजिकल एक्सेस क्या है मैं बताया ही नहीं, बाद में बताऊंगा मालिक। तो फिजिकल एक्सेस में क्या क्या है? फिजिकल एक्सेस में टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करना है तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करना है तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। ओके, दूसरा दूसरा पॉइंट, इनटैंजिबल रिसोर्स, इनटैंजिबल रिसोर्स, इनटैंजिबल रिसोर्स Stored in tangible media, stored in tangible media is also called physical access control. What is a physical access control? Physical access control दो प्रकार से दिखे जाते हैं। Okay, कोई भी tangible resource को access करना है तो physical access control है। ओके, कोई भी टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करना है तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, कोई भी टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करना है तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, कोई भी इनटैंजिबल को एक्सेस करना है जो कि टैंजिबल मीडिया में स्टोर्ड है वो भी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। अब सर यहां पर कंटेक्स्ट हम इंटेंजिबल को क्या लेंगे? मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, यहां पर जब अपन डिस्कशन कर रहे हैं प्लीज टेक इट एज सिस्टम, मैं जो बोल रहा हूं सिस्टम मतलब यहां पर कंप्यूटर रिलेटेड होगा। तो सर ओके, इनटैंजिबल क्या हुआ? इनटैंजिबल यहां पर सिर्फ दो चीज हुई, एक हुआ डेटा, डेटा बोलो या इंफॉर्मेशन बोलो दोनों सेम पकड़ेंगे अभी, और दूसरा हुआ सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है, कान खुले, कान खुले, अगर आपको कंप्यूटर के सर्वर के डब्बे को एक्सेस करना है, कंप्यूटर को फिजिकली एक्सेस करना है तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। कंप्यूटर को फिजिकली एक्सेस करना है, कंप्यूटर के डब्बे को सर्वर को एक्सेस करना है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। ओके, अगर कोई हार्ड डिस्क है और वो हार्ड डिस्क के अंदर सॉफ्टवेयर है और वो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा इंफॉर्मेशन है और वो हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है तो भी वो कॉन्सेप्ट आएगा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल।
इट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या, एग्जाम्पल देंगे रे, एग्जाम्पल आराम से घाई मत करो, आराम से सब रिपीट करते मालिक। ओके सारी चीजें रिपीट करते मालिक, आराम से घाई मत करो, मैं इसको 2-3 बार बोलूंगा उसके बाद ये झेपेगा, इतने जल्दी झेपने वाला नहीं है, इतने जल्दी झेपता तो फिर मैं ये डिस्कशन स्टार्टिंग में लेता ही नहीं था और ये कॉमन पूल में डालता ही नहीं था भाई, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। ओके अगर कोई टैंजिबल मीडिया को एक्सेस, टैंजिबल चीजों को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपका कौन सा एक्सेस कंट्रोल है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। अगर कोई इनटैंजिबल रिसोर्स टैंजिबल मीडिया पे स्टोर है, अगर कोई इंटेंजिबल रिसोर्स टेंजिबल मीडिया पे स्टोर है तो उसको भी एक्सेस करना है तो वो भी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल माना जाएगा, वो भी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल माना जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल दो सूरत में माना जाएगा, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल दो सूरत में माना जाएगा। अगर कोई टेंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करना है, कोई टेंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करना है तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। कोई इंटेंजिबल रिसोर्स टेंजिबल मीडिया पे स्टोर है और उसको एक्सेस करना है तो भी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। ओके आराम से तो सर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या हुआ, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल मतलब ओके सॉफ्टवेयर का एक्सेस करना। अगर कोई आप सॉफ्टवेयर का एक्सेस कर रहे हो, ओके सॉफ्टवेयर का एक्सेस कर रहे हो, डेटा का एक्सेस कर रहे हो, इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ओके तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का डेफिनेशन बहुत आसान है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में ओके क्लियर कट डिस्टिंक्शन डेफिनेशन से मिलता है। वापस आता हूं, ओके अब वापस रिपीट करते हैं मालिक, रेडी फॉर लेग पे अपन लेंगे ना मालिक, ओके आराम से लेंगे ना मालिक। अगर कोई टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, कोई इनटैंजिबल रिसोर्स टैंजिबल मीडिया पे स्टोर है और उसको एक्सेस कर रहे हो तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर या डेटा का एक्सेस करना है तो आपका लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। समझ लीजिए ओफू, और ओफू मतलब क्या, ओफू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। Only for understanding, ये example है। Okay, अब यहां पर अपन बहुत अच्छे से logic समझते हैं मालिक। Okay, एकदम आराम से। Information manual हो सकती है, whatever it may be। अभी मैं computer का example समझा रहा हूं, तुषार उषार सब लोग इस example को समझ लीजिए, ओफू को समझ लीजिए, only for understanding को समझ लीजिए मालिक। Okay, अब समझो करो, ये एक सर्वर का डब्बा है और ये सर्वर है प्रोवाइस का सर्वर है। ओके ये प्रोवाइस का सर्वर है। यूजुअली जब हम लोग के सेंटर में होते थे तो जब मैं इधर सेंटर में जाता था रिकॉर्डिंग करने, मतलब ये लेक्चर लेने, तब दीपक करके था, ओके जो सारी चीजें दिखता था। तो अपन एज्यूम करते हैं, अपन एग्जांपल अभी भी दीपक लेते हैं। ओके यहां पर एग्जांपल समझो, एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल समझिए। ओके यहां पर प्रोवाइस ये सर्वर का डब्बा है। यहां पर लेट टेक एन एग्जांपल, ये एम्प्लॉई है जिसका नाम दीपक है। यार राइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रोवाइस का जो सर्वर है एज्यूम करते हैं ओके मुंबई में है। अभी अपन मुंबई में समझ रहे हैं, मुंबई में है, मुंबई अपनी मुंबई भाई। ओके मुंबई में है। ओके दीपक एम्प्लॉई है और दीपक अब ये जो बिल्डिंग है उसमें जा रहा है और यहां पर बिल्डिंग में ओके कुछ लॉक्स ऑन डोर्स है, ताले की चाबी है, ओके सब कुछ दीपक के पास है। दीपक एंटर करता है, ओके दीपक बीबी सर के पास है, बरोबर बीबी सर के स्टूडियो में है, परफेक्ट। दीपक बीबी सर के स्टूडियो में काम करता है। तो परफेक्ट, बीबी सर वाला दीपक। ओके तो मालिक कॉन्सेप्टली बात करते हैं अभी। ओके दीपक ताला लगाया हुआ है, प्रोवाइस का सर्वर जहां पर रखा हुआ है वहां पर ताला लगाया हुआ है। दीपक ताला चाबी लेके ताला खोलता है। अब आप सोच समझ के बताइए ये कौन सा एक्सेस कर रहा है दीपक। एंड शॉर्ट फॉर्म यूज करना चालू करो, लोबो, परफेक्ट लोबो, परफेक्ट लोबो, लोबो 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 बोलते हैं। ओके और शॉर्ट फॉर्म यूज करना चालू करो, शॉर्ट फॉर्म आप क्या लिखोगे, पीएसी एंड एलएसी, इसको शॉर्ट फॉर्म यूज करना चालू करो मालिक। आप सब लोग शॉर्ट फॉर्म लिखना चालू करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ओके मेरा क्वेश्चन क्या है, दीपक चाबी लेके आता है और वो ताला खोलता है जहां पर सर्वर रखा हुआ है।
ओके सर, ये पीएसी है, ऑथराइज पर्सन ही है, अपन ऑथराइज की बात कर रहे हैं, ऑथराइज के लिए तो एक्सेस कंट्रोल डाल रहे हैं। ओके सर, मेरे को बताओ ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल रहेगा? 101%, मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करते हैं, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। परफेक्ट, फ्रीज करते हैं, परफेक्ट परफेक्ट, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, क्योंकि वो टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, क्योंकि मालिक वो टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, इसीलिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। परफेक्ट परफेक्ट, गड़बड़ मत करना, अभी गड़बड़ मत करना, परफेक्ट, फ्रीज कर दीजिए। सब लोग ने पीएससी पीएससी लिखा, वाह वाह वाह, वाला वाला वाला। ओके, अब समझ लीजिए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, अब कॉन्सेप्ट समझो शोरो, परफेक्ट परफेक्ट, अब कॉन्सेप्ट समझो शोरो मालिक। ओके, अब पॉइंट यह आता, दीपक इस रूम में एंट्री करता है, दीपक इस रूम में एंट्री करता है, दीपक इस रूम में एंट्री करता है, और वो सर्वर का एक्सेस करता है, सर्वर चालू करता है, सर्वर का डब्बा चालू करता है, सर्वर का डब्बा चालू करता है, आराम से सर्वर का डब्बा चालू करता है, और सर्वर का डब्बा पॉपअप देता है। ओके, सर्वर के डब्बे के अंदर, सर्वर के डब्बे के अंदर, सर्वर के डब्बे के अंदर, यस यस, कंप्यूटर ही तो बोल रहा हूं ना, अरे कंप्यूटर ही तो एक्सेस कर रहा है ये। ओके, अरे भाई सौरव, ये सब कंप्यूटर ही तो एक्सेस कर रहा है, वो जिस रूम में कंप्यूटर है उस रूम का ही तो कॉन्सेप्ट है ये मालिक। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, दीपक एंटर कर दिया, ताला खोल के घुस गया, ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज पर्सन है दीपक। ओके, भवर सर ने एक्सेस दिया हुआ है भाई, प्रवीण सर ने एक्सेस दिया हुआ है, बस खत्म हो गई स्टोरी, अरे जिंदगी जी लिया भाई वो। ओके, अब वो एंट्री कर रहा है, अब मेरा क्वेश्चन है, वो सर्वर पे जा रहा है, सर्वर के अंदर डेटा रखा हुआ है, डेटा सर्वर के अंदर डेटा रखा हुआ है, उसको एक्सेस कर रहा है। ओके, और वो यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहा है। ओके, वो सर्वर को एक्सेस कर रहा है, दीपक ही, हां दीपक ही, अभी दूसरा और कोई नहीं एक्सेस कर रहा है। ओके, वो सर्वर को एक्सेस, सर्वर का सिस्टम चालू किया और उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहा है, सर्वर चालू करके। ओके, सर्वर पूछ रहा है यूजर आईडी पासवर्ड डालिए। ओके सर, फिर यूजर आईडी पासवर्ड करता है, लॉगिन लॉगिन, परफेक्ट, लॉगिन करता है वो। ओके, मैक्सिमम आंसर मुझे पीएससी मिल रहे हैं। ओके, चार पांच जनों के आंसर मुझे एलएसी आए। ओके, आयुष वायुष बोल रहा है लॉजिकल, विकास भी बोल रहा है लॉजिकल, निखिल भी बोल रहा है लॉजिकल। देवांशु, बफरिंग तो नहीं हो रही है, अरे मेरे जैसे डेटा बरोबर जा रहा है, ट्रांसमिट बरोबर हो रहा है, रेट्स भी बरोबर है, स्पीड भी बरोबर है, मैंने देखा। फिजिकल या लॉजिकल, परफेक्ट मालिक, मैक्सिमम आंसर मिले भाई, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। नाउ बॉस, लॉजिक क्या है इसका फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का? ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, वो भले ही सॉफ्टवेयर एक्सेस कर रहा है, सॉफ्टवेयर एक्सेस कर रहा है, सॉफ्टवेयर एक्सेस कर रहा है, सॉफ्टवेयर, वो डब्बे में रखा हुआ सॉफ्टवेयर है ना, डब्बे में रखा हुआ डेटा है ना, डब्बे में रखा हुआ सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर एक्सेस कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर एक्सेस कर रहा है, सुन लीजिए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर एक्सेस करते वक्त वो इंटेंजिबल रिसोर्स एक्सेस कर रहा है अनडाउटफुली, लेकिन वो इंटेंजिबल रिसोर्स स्टोर्ड इन टैंजिबल मीडिया। ओके, वापस मैं समझा रहा हूं, देखो दो एक्सेस मैंने बताया इसमें, दो समझाए, दो समझाए, दो समझाए मालिक, एक मैंने समझाया इधर 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 इधर, सबको समझ में आ रहा क्या? इधर इधर ताला खुला उसने, ताला खुला था, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, सब लोग ने बोला मालिक, सब लोग ने सही बोला मालिक, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मेरा क्वेश्चन आया, वो ताला लेके घुस गया, अब सर्वर चालू कर रहा, सर्वर चालू करते वक्त यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहा है। ओके, अब यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहा है, तो मेरे को बताइए, ओके, ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा या लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा? ये 101% फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा। तनु, मैं समझाता हूं, वापस टेंशन मत ले। ओके, व्हाई, एग्जांपल को दो एंगल से समझिए मालिक, एग्जांपल को दो एंगल से समझिए। ओके, मीडिया कैन बी एनी कंप्यूटर ना रे, यहां मीडिया, यकीता, यहां मीडिया कैन बी एनी कंप्यूटर, एनी कंप्यूटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर, इट कैन बी सर्वर का डब्बा, इट कैन बी हार्ड डिस्क, इट कैन बी ओके डी ड्राइव, वी ड्राइव, डजंट मैटर, मीडिया मीडिया उसको बोलते हैं। लॉक एंड की को कहां पर लॉजिकल एक्सेस कहा मैंने? ओके, गड़बड़ गड़बड़, मैं वही समझा रहा हूं, आप समझिए प्रॉब्लम क्या होगी मालूम है क्या? ओके, आपको समझना जरूरी है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या है, क्या बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ कम्स इन माइंड इज बेसिकली अबाउट, याद रखना, मैनुअल कंट्रोल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल, कंप्यूटर के कंट्रोल और मैनुअल कंट्रोल। आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन इधर क्या होगा मालिक मालूम है क्या? यहां पर आप बोलोगे जो फिजिकल है वो मैनुअल है और जो लॉजिकल है वो इलेक्ट्रॉनिक है। गलत 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 गलत, पूरी तरह गलत। मैनुअल और ऑटोमेटेड, मैनुअल और ऑटोमेटेड में ये कोई डिस्कशन ही नहीं है। ये दिस एक्सेस इज बेस्ड ऑन रिसोर्सेस, अब कैसा रिसोर्सेस है उसके ऊपर एक्सेस है। तो सबसे पहले कान खुले, मैं आपको वो एग्जांपल वापस समझा रहा हूं।
एज्यूम करते हैं एक बिल्ड एक रूम में प्रोवाइस का सर्वर रखा है, वापस एग्जांपल लास्ट टाइम समझा रहा, और इसको अच्छे से समझिए क्योंकि इसके बाद फिर हम अपन लॉजिकल में जाएंगे, और ये होने के बाद फिर मल्टीपल एग्जांपल पूछूंगा, टेंशन मत लो, और उसके बाद अपन आंसर देंगे, उसके बाद क्लियर करने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तब तक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाना ही नहीं है मेरे को। ओके, लॉजिकल का कॉन्सेप्ट देता हूं मालिक, देता हूं। अरे लॉजिकल पहले फिजिकल तो समझ लो भाई, मेरे को एकदम अच्छे से समझाने दो भाई, मेरे को संतुष्टि आने दो। ओके दीपक, ये रूम है जिसमें कंप्यूटर का डब्बा रखा हुआ है, और ये रूम को लॉक है, ये रूम के लॉक की चाबी दीपक के पास है, दीपक आता है रूम के लॉक की चाबी खोलता है, ओके, और रूम खोल लेता है, ऑथराइज है दीपक, ऑथराइज है, अपन सिर्फ ऑथराइज की बात कर रहे हैं। ओके दीपक आता है रूम में, ओके दिस इज कॉल्ड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये भी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है क्योंकि वो टैंजिबल रिसोर्सेस देख रहा है, टैंजिबल रिसोर्स कैन बी एनीथिंग, टैंजिबल रिसोर्सेस, कंप्यूटर जिस रूम में रखा हुआ है वो रूम की लॉक एंड चाबी भी टैंजिबल रिसोर्सेस के थ्रू ही आ रहा है। वो जैसे ही आया सर्वर के डब्बे पे बैठा, यानी एक टेबल पे बैठा, टेबल पे बैठने के बाद सर्वर का डब्बा बटन चालू किया, जैसे ही सर्वर का बटन चालू किया, ओके सर्वर पूछ रहा है यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, ओके अब यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद ओके इसको क्या मिलने वाला है, दीपक को क्या एक्सेस मिलने वाला है, दीपक को एक्सेस मिलने वाला है सॉफ्टवेयर का, दीपक को एक्सेस मिलने वाला है डेटा का, ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज पर्सन है, लेकिन यह एक्सेस कौन सा माना जाएगा, यह एक्सेस माना जाएगा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि ही इज एक्सेसिंग इनटैंजिबल रिसोर्सेस, बट दिस रिसोर्सेस ही इज एक्सेसिंग थ्रू टैंजिबल मीडिया, ये टैंजिबल मीडिया के थ्रू वो एक्सेस कर रहा है, टैंजिबल मीडिया के थ्रू इनटैंजिबल रिसोर्सेस एक्सेस कर रहा है। ओके इसीलिए यहां पर ये फिजिकल एक्सेस माना जाएगा, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल माना जाएगा मालिक। ओके लॉजिकल नहीं आएगा, लॉजिकल का समझाता ना क्यों टेंशन ले रहा, सब आएगा समझ में मालिक, लेकिन लॉजिकली पहले ये क्लियर करें, इधर तक समझ में आया, फिजिकल कॉन्सेप्ट समझ गया पक्का, फिजिकल तो फिजिकल को आप दो तरह से डिफाइन करोगे, फिजिकल को खाली एक कॉन्सेप्ट में मत लेना, दो तरह से लेना, टैंजिबल रिसोर्सेस एंड इनटैंजिबल रिसोर्सेस स्टोर्ड इन टैंजिबल मीडिया, एंड यू आर एक्सेसिंग दैट इनटैंजिबल रिसोर्सेस थ्रू टैंजिबल मीडिया, तो आपके लिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। वापस रिपीट करता हूं, भारत माता की जय, टैंजिबल रिसोर्स को एक्सेस करना है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, इनटैंजिबल रिसोर्स को विच इज स्टोर्ड इन टैंजिबल मीडिया इज कॉल्ड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल ओनली। नो, रिचा वैसा नहीं है, एक्सेस कंट्रोल नहीं है, ऐसे इतना घाई मत करो, टैंजिबल मीडिया मतलब कुछ भी लो ना रे, टैंजिबल मीडिया मतलब इट कैन बी कंप्यूटर, इट कैन बी हार्ड डिस्क, जो भी मीडिया, ओके जिस मीडियम मैकेनिज्म, ओके एग्जांपल, ओके जो अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया का कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कंप्यूटर, ओके अपने एग्जांपल में अपन कंप्यूटर ले रहे हैं, सर्वर ले रहे हैं, मीडिया मतलब इट कैन बी एनीथिंग, एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ओके अगर हार्ड डिस्क रखी है, हार्ड डिस्क में डेटा है, और हार्ड डिस्क भी मैंने लगाई कंप्यूटर में, और हार्ड डिस्क में अपन हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में आपको पासवर्ड डालना पड़ रहा है, अब मेरे को सोच समझ के बताओ, ये कॉन्सेप्ट बताओ मेरे को, ओके हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में मैंने डेटा रखा हुआ है, और वो हार्ड डिस्क जैसे ही लगाई, ओके हार्ड डिस्क बोलता है पासवर्ड डालो, उसके बाद ही वो डेटा को एक्सेस करोगे। ओके हार्ड डिस्क लगाई मैंने अपने कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क लगाई, ओके सर्वर क्लाउड छोड़ दे रहे, हार्ड डिस्क लगाई, ओके हार्ड डिस्क लगाई, ओके हार्ड डिस्क लगाई, हार्ड डिस्क लगाई, हार्ड डिस्क लगाई, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, परफेक्ट। ओके यही पॉइंट ध्यान में रखना है। यस बेटा यही पॉइंट पर अपन आएंगे, बाय। अब परफेक्ट, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब मालिक शांति से अब मेरे को आंसर समझा देना, अभी अगला आंसर आपको झेपना चाहिए, प्लीज अच्छे से बताना, अब अच्छे से बताना। अब दीपक को छोड़ दो, दीपक गया स्टूडियो में, अब आए आप, मैं एक बंदे एक पंटर को लेता हूं, पंटर मतलब अपने स्टूडेंट, या वापस मालिक आत्मा तोड़ पंटर बोला मतलब तुम लोग को पंटर बोलता, मैं अपनी बेटी को सबको पंटर बोलता, आराम से पासवर्ड को छोड़ देते। ओके अब मेरे को बताओ एक पंटर का नाम लेते किसका नाम लू रे, नाम और जगह दोनों लिख के दो, नाम तो तुम्हारा आ ही रहा है, जगह लिख के दो, तुम्हारा एक जगह लिख के दो, जगह कोई तो एक जगह का बोलो, मीडिया मीन स्टोरेज डिवाइस सौरभ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे तुम्हारे कोई एक प्लेस लिख के दो ना, लोकेशन तुम कहां से हो, कोई एक बंदा लिख के दो, अरे मेरा नाम जगह लिख, जगह ओके तो चलो एक आ गया अपने पास, एक मिल गया अपने को, ओके लखनऊ वाले मिल गए भाई, प्रबल लखनऊ वाले, एक सेकेंड लखनऊ वाले जो आ गया भाई, अरे क्या यार मिक्स हो रहा है मां कसम, लखनऊ वाले किधर चले गए, लखनऊ थोड़ा सा लखनऊ ही है भाई, बड़े लखनऊ वाला मां कसम, लखनऊ वाला किधर गया रे, चलो ऐसे फटाफट लिख रहे हो तुम लोग, अभी एक साथ में इतने सारे लिखे मेरे को ही नहीं समझा। ओके और जो जो साला पाकिस्तान लिख रहा है ना, साले पाकिस्तान जावे
हल्द्वानी का लेते हैं, चलो लिखनी, लिखनी लिखनी अग्रवाल करके है, ओके हल्द्वानी से अपने लेखनी अग्रवाल, लखनऊ वाले थे भाई चले गए अभी, ओके लेखनी लेखनी लेते हैं, ओके हल्द्वानी एज्यूम करते हैं, ये लेखनी अग्रवाल है, लेखनी हल्द्वानी से, हल्द्वानी से, हल्द्वानी, हल्द्वानी वैसे है कहा, हल्द्वानी हल्द्वानी है कहा बे, और भास्कर वुहान से, तू दूर रहे भाई दूर रहे भास्कर, दूर रहे भास्कर, दूर रहे, ओके वुहान में आ मत साला, तू नजदीक भी मत आ, तेरा नाम लेते साला ऐसा डर लगता, कोरोना 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 कुछ हो जाएगा भाई, ओके ठीक है चलो ओके अपना फ्रीज हो गया, अपने को नाम मिल गया, बहुत सारे हो गए, ओके उत्तराखंड, अरे उत्तराखंड में मां कसम जय केदारनाथ, तोड़ तोड़ हल्द्वानी से उत्तराखंड वाले भाई, ओके अरे कोई बोल रहा है हल्द्वानी इज सही है, एज्यूम करते हैं, ओके इनके पास एक लैपटॉप है, गिव मी अभी करेक्ट आंसर एवरीवन, नाउ आई रिक्वायर एन आंसर, ओके प्लीज 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 सब छोड़ दो छोड़ दो, नेहा तुम्हारा भी मैसेज आ रहा है लेकिन इधर नाम आने के पहले, ओके ये सारा सारा सीन है, ओके ओके यस 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 विकास सिंह इजी वाला लो रे सो वी कैन अंडरस्टैंड, तेरे को नाम में क्या इंटरेस्ट है विकास, तेरे को नाम में व्हाई यू वांट टू अंडरस्टैंड द नेम, नेम कुछ भी होने देना भाई, ओके तू भाई तेरे तेरे उधर के फोकस करना भाई, हमारे इधर तो नाम एकदम अलग अलग रहते रहे भाई, ओके तो विकास इज वेरी इंटरेस्टेड सर, इजी वाला नाम लो सर, याद रखने इधर याद थोड़ा ना रखना है, कॉन्सेप्ट समझना भाई, ठीक है नाउ गिव मी अ करेक्ट आंसर, लेखनी ओके लेखनी लेखनी नाम है ओके अपने पंटर का, ओके उसके पास एक कंप्यूटर है जिससे वो अभी एक्सेस कर रही है, वो कंप्यूटर में यूजर आईडी पासवर्ड डाल रही है, हल्द्वानी में हल्द्वानी में यूजर आईडी पासवर्ड डाल रही है अपने कंप्यूटर में, वो हल्द्वानी में यूजर आईडी पासवर्ड डाल रही है अपने कंप्यूटर में, ओके यू टेल मी विच एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल या लॉजिकल, फिजिकल या लॉजिकल, निखिल मैं तेरा लूंगा रे भाई टेंशन मत ले, अरे रुको रे भाई मैं समझा था हरप्रीत, मैं समझा था, तुम मेरे को इसका आंसर दो, प्रियांशी परफेक्ट, तुषार परफेक्ट, देवांशु गलत बोला तू भाई, नारायण नव्यता गलत 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 गलत, ओके बहुत सारे जन का सही आंसर है, मैक्सिमम आंसर है, कुछ कुछ जनों का गलत आया हुआ है भाई, ओके अनिश बोलता है सनी लियोन कर लो, ओके याद रहेगा मालिक तोड़े, तू ले तू ही ले भाई, ओके मैंने अगर सनी लियोन का नाम लिया ना भाई मेरे इधर घर मतलब रूम से, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं समझने की कोशिश कर, ओके लग जाएगी मेरी वाट लग जाएगी भाई वाट लग जाएगी, ओके सर ओके सब लोग समझिए मालिक, ये है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल बिकॉज व्हाई इट इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, व्हाई सर हाउ इट इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, बिकॉज लेखनी इज एक्सेसिंग इनटैंजिबल डेटा फ्रॉम टैंजिबल रिसोर्स, Are you getting the point? वो tangible resource को access कर, tangible media को access कर रही है ना, वो tangible media को access कर रही है ताकि वो intangible resource को access करे, इसके लिए okay, user ID password, perfect समझने को शुरू, इसलिए physical access control है, इसलिए physical access control है मालिक, physical access control समझ में आया, physical access control क्यों है, ये physical access control है, physical access control है, perfect समझ में आ रहा है क्या, समझ में आया क्या, okay तोड़ तोड़ समझ में आया, अगर समझ में आया तो अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, अब ओके लेखनी को अपना अपना लेक्चर ओके ये सर्वर पे एक्सेस करना है, प्रोवाइस के सर्वर पे आना है, लेखनी हल्द्वानी से मुंबई के सर्वर को एक्सेस करती है, लेखनी हल्द्वानी से मुंबई के सर्वर को एक्सेस करती है, और मुंबई का सर्वर उसको बोलता है हमें यूजर आईडी दो, मुंबई का सर्वर बोल रहा है यूजर आईडी डालो और पासवर्ड डालो, ओके मुंबई का सर्वर बोल रहा है यूजर आईडी डालो पासवर्ड डालो, मुंबई का सर्वर बोल रहा है यूजर आईडी डालो पासवर्ड डालो, जब लेखनी हल्द्वानी से अपने कंप्यूटर से ओके मुंबई के सर्वर को एक्सेस कर रही है तो मुंबई का सर्वर पॉपअप कर रहा है यूजर आईडी पासवर्ड डालो, यूजर आईडी पासवर्ड डालो, अब आप मेरे को बताओ ये यूजर आईडी पासवर्ड जो पॉपअप हुआ ये कौन सा कंट्रोल है, ऋषिता देखता हूं मैं मेरे को तो समझ है ये कौन सा कंट्रोल है, एंड दिस इज वेयर यू अंडरस्टैंड, अगर तुमको समझ में आया झेपा भी तो ओके यूजर आईडी पासवर्ड फिजिकल में भी आ सकता है लॉजिकल में भी आ सकता है, यूजर आईडी पासवर्ड फिजिकल में भी आ सकता है लॉजिकल में भी आ सकता है, पर फिजिकल में कब आएगा और लॉजिकल में कब आएगा ये क्लियर होना जरूरी है,
Okay, I do think now you are getting the point. अब ये आया तुम्हारे लिए logical access control, because now she is accessing not tangible media, she is accessing only software, she is accessing only data, and this is called logical access control, Malik. अगर ये concept होता है logical access control, मैं वापस समझा रहा हूँ. Okay, देखो लेखनी एक student, एक example लेते हैं student हल्द्वानी में बैठा हुआ है और हल्द्वानी में अपना तुमने अपना computer access करने के लिए open किया, computer laptop open किया और user ID password डाला. तुमने अपना लैपटॉप ओपन किया और यूजर आईडी पासवर्ड डाला. तुमने अपना लैपटॉप ओपन किया और यूजर आईडी पासवर्ड डाला. ओके, अगर समझ में आया तो ये कौन सा कंट्रोल है? ये है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. अब तुम्हारा लैपटॉप ओपन हो चुका और लैपटॉप ओपन होने के बाद तुम आ रहे हो प्रोवाइस के ऐप पे और प्रोवाइस का ऐप जैसे क्लिक कर रहे हो, मतलब प्रोवाइस के सर्वर पे आ रहे हो, प्रोवाइस का ऐप जैसे क्लिक कर रहे हो तो प्रोवाइस के सर्वर पे जा रहा है क्लाइंट एक्सेसिंग सर्वर. सर्वर पॉपअप कर रहा है और बोल रहा है पासवर्ड दे और तू पूछता है पासवर्ड. ओके, तू एंटर करता है पासवर्ड. अब मेरे को बता, यू आर एक्सेसिंग ओनली सॉफ्टवेयर ना, यू आर नॉट एक्सेसिंग मीडिया, यू आर नॉट एक्सेसिंग सर्वर, यू आर नॉट एक्सेसिंग सर्वर. ओके, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. This is called logical access control. This is when we are doing with respect to physical access control and logical access control. ये concept होता है physical access control and logical access control का. Access tangible में ही हो रहा है, होने देना tangible में, लेकिन वो data किधर है? Okay, एक सेकंड, श्रुति का एक क्वेश्चन है, मैं उसको क्लियर करता हूं और सबके लिए दिमाग में ये होगा. मेरे को बताओ डेटा किधर है, वीडियो लेक्चर्स किधर है? वीडियो लेक्चर तुम्हारे डब्बे में है क्या? तुम्हारे घर के डब्बे में वीडियो लेक्चर है या प्रोवाइस के सर्वर पे? Okay, वो क्या एक्सेस कर रही है? डेटा किधर है? डेटा किधर है? कौन से सर्वर का एक्सेस कर रही है वो? डेटा किधर है? वो तुम्हारे घर के लैपटॉप में डेटा है या वो डब्बे में डेटा है? तो प्रोवाइस के सर्वर में डेटा है. प्रोवाइस के सर्वर में डेटा है ना, तो शी इज एक्सेसिंग ओनली सॉफ्टवेयर, शी इज एक्सेसिंग ओनली डेटा, इनटेंजिबल मीडिया, इनटेंजिबल रिसोर्स. शी इज नॉट एक्सेसिंग टेंजिबल मीडिया. वो अपने टेंजिबल मीडिया से किधर और डेटा रखा हुआ वो एक्सेस कर रही है भाई मेरे. Okay, ये कॉन्सेप्ट समझने को शुरू. दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल एंड लॉजिकल. ओके, अब और दो तीन एग्जांपल लेते हैं और दो तीन एग्जांपल को क्लियर करते हैं, पर ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट समझने को शुरू मालिक. Yes, अपने लैपटॉप में. Okay, वापस आप समझिए, एकदम सिंपल है. आप जब अपने लैपटॉप में एक्सेस करोगे तो क्या है मेरे को बताइए. ठीक है, मैं और दो तीन एग्जांपल दे रहा हूं रे भाई, एकदम अच्छे से दे रहा हूं, टेंशन मतलब पहले तो बेसिक बैकग्राउंड क्लियर हो. आप अपने लैपटॉप में एक्सेस करोगे तो कौन सा एक्सेस कंट्रोल, अभी से क्लियर रखो. आप अपने लैपटॉप में एक्सेस करोगे तो कौन सा एक्सेस कंट्रोल, आप अपने लैपटॉप में एक्सेस करोगे तो कौन सा एक्सेस कंट्रोल, आप जब अपने लैपटॉप में डालोगे तो कौन सा एक्सेस कंट्रोल. ओके, भास्कर तू वापस डाल, मेरे को मालूम नहीं पड़ा क्या तेरा एग्जांपल था. Okay, आप अपने लैपटॉप में एक्सेस करोगे तो, अपने लैपटॉप में एक्सेस करोगे तो, okay, वो मैं एग्जांपल देता हूं. Okay, मालिक अपने लैपटॉप में एक्सेस करोगे तो कौन सा एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. अब तू लैपटॉप चालू हो गया, फिर मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है यार, इधर बैठा हूं मोबाइल नहीं है. अब तू लैपटॉप चालू हो गया, लैपटॉप में तू टाइप कर रहा है www.facebook.com. ओके, सुन मेरी बात, www.facebook.com. फेसबुक के सर्वर पे गया, फेसबुक बोलता है यूजर आईडी पासवर्ड डाल तो मैं तेरे को सर्वर पे जाने दूंगा. Okay, अब तू अपने लैपटॉप से फेसबुक के सर्वर पे गया और तू फेसबुक के सर्वर ने बोला तू www. यूजर आईडी पासवर्ड डाल, उसके बाद मैं तेरे को सर्वर पे आने दूंगा. अब मेरे को बता, okay, फेसबुक पे सर्वर पे जाना, फेसबुक के सर्वर पे जाके फिर फेसबुक का डेटा देखना, ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल? क्या क्लास बीच बीच में रुक रही है क्या रे? मेरे जैसे स्ट्रीमिंग, हेलो एक सेकंड ना, मैं स्ट्रीमिंग का देख लेता हूं. स्ट्रीमिंग तो मेरे को लग रहा है बरोबर हो रहा है, स्ट्रीमिंग बरोबर है रे, स्ट्रीमिंग बरोबर हो रहा है मेरे इधर से, कोई मेरे ख्याल से मेरे इधर से स्ट्रीमिंग बरोबर हो रहा है मालिक. परफेक्ट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. अगर आप जे पाओ तो ये पॉइंट समझने कोशिश करो मालिक. क्लासेस रनिंग, परफेक्ट सही कॉन्सेप्ट तुमको झेपना है भाई. तोड़ मालिक ओके, अब वापस मैं रिपीट करता हूं, दो तीन चीजें मैं और रिपीट कर रहा हूं मालिक. सही, अच्छे से बात कर ली मालिक. ओके, वापस बोल रहा हूं, तुम अपने लैपटॉप में यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हो. ओके, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. लैपटॉप में जाने के बाद तुम फेसबुक पे जाते हो और फेसबुक बोलता है यूजर आईडी पासवर्ड डाल तो ही फेसबुक पे आने दूंगा. ओके, अब मेरे को बताओ ये कौन सा होगा, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, बिकॉज यू आर एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर बट यू आर नॉट एक्सेसिंग दैट मीडिया.
सर्वर को तुम एक्सेस नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो, सर्वर का एक्सेस नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखो। ओके, वापस आते हैं। ओके, तुमने अपने मोबाइल में पिन डाल के रखा है मोबाइल में। अब मेरे को बताओ, मोबाइल में पिन डाल के रखा है तो मोबाइल में जो पिन डाला हुआ है वो कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसी पे पूछ रहा हूं, मैं वापस पूछ रहा हूं, टेंशन मत लो। मेरे को बताओ, मोबाइल में पिन डाल के रखा है, तुम्हारे मोबाइल में पिन है? मोबाइल है नहीं मेरे पास अभी। मोबाइल में पिन डाल के रखा है, मोबाइल में पिन डाल के रखा है तो ये कौन सा है? ओके, मोबाइल में पिन डाल के रखा है तो ये कौन सा है? मोबाइल में पिन डाल के रखा है, मोबाइल में, परफेक्ट मालिक, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। ओके, भेजे में झेपने की कोशिश करो, एकदम तोड़ कॉन्सेप्ट, ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, परफेक्ट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, मोबाइल का पिन डालते फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब तू मेरे को बता, मोबाइल में गया, व्हाट्सएप में भी तूने पिन डाल के रखा है, व्हाट्सएप में भी पिन डाल के रखा है, अब तू व्हाट्सएप चालू करता है, व्हाट्सएप का ऐप चालू करता है, व्हाट्सएप का ऐप पॉपअप होता है और बोलता है पिन डालो, व्हाट्सएप चालू रहा है, गड़बड़ मत करो, व्हाट्सएप का ऐप चालू हो रहा है, व्हाट्सएप का ऐप चालू हो रहा है और व्हाट्सएप बोलता है पिन डालो, उसके बाद ही मैं व्हाट्सएप पे एक्सेस दूंगा। यस मालिक, दिस इज एलएसी, दिस इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ये हुआ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो मालिक, एग्जाम्पल वही यूजर आईडी पासवर्ड ही है। अपन लैपटॉप में जाओ, यूजर आईडी पासवर्ड ही रहेगा। ओके, उधर जाओ, यूजर आईडी पासवर्ड ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ कैसे आप एक्सेस करते हो उसके ऊपर अपनी कहानी है, उसके ऊपर अपनी कहानी निर्भर है मालिक। यार ये लैपटॉप बंद हो गया भाई, आज पता नहीं आ रहा थोड़ा सा यार। ओके, यूजर आईडी पासवर्ड मालिक, एवरीडी क्लियर मालिक? ओके, परफेक्ट, ये ध्यान रखना मालिक। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखो, इधर फ्रीज करो। दिस इज व्हाट योर लॉजिक विद रिस्पेक्ट टू योर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ओके, आराम से। ओके, ये रूम में कंप्यूटर रखा हुआ है, ये रूम में कंप्यूटर रखा हुआ है, ये रूम में कंप्यूटर रखा हुआ है, समझ लो, एग्जाम्पल समझो, और एक, ये रूम में कंप्यूटर रखा हुआ है। सार्थक पेनड्राइव क्लास लेगा तो डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, तुम्हारे पास, तुम अगर वो डेटा तुम्हारे लैपटॉप में स्टोर करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, फिर तुम्हारे पास फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है अगर पेनड्राइव क्लास है तो, सर्वर पे जाने की जरूरत ही नहीं ना, तुम्हारे पास टेंजिबल मीडिया है ना, फिर डेटा इज स्टोर्ड इन टेंजिबल मीडिया। तो अगर पेनड्राइव क्लास है और पेनड्राइव क्लास में तुम यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, क्योंकि पेनड्राइव डालने के बाद होता है ना, तो टेंजिबल रिसोर्स को ही तुम एक्सेस कर रहे हो ना, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, दैट विल बी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल मालिक। तो फिजिकल, नीतीश कुमार अपने सिस्टम पे थोड़ा खर्चा करो मालिक, गरीब आदमी हो रे। ओके, कुछ नहीं है मेरे पास रे, मतलब मालिक, मतलब क्या, मतलब गरीब आदमी की छेड़छाड़ मत करो, सिस्टम पे कैसे खर्चा करो मालिक। ओके यार, मतलब दो वक्त की रोटी नहीं निकल रही है मालिक यार, मैं सुबह सुबह बर्तन धोता हूं मालिक, दो वक्त की रोटी खाने के लिए मालिक, सुबह बर्तन धोता हूं, झाड़ू निकालता हूं, पोछा निकालता हूं, क्या बताऊं मालिक, मैं क्या क्या कर रहा हूं मालिक, और मालिक आप बोल रहे हो सिस्टम पे खर्चा करो मालिक क्या क्या करूं मैं। ओके, चलो मालिक, ठीक है, परफेक्ट। हिमांशी बोल रही है एलएसी वापस बताओ। अरे मालिक, अरे जैगवार वाले गरीब है रे अपन। इट डिपेंड्स राहुल, ऐसा बोल नहीं सकते डायरेक्टली, पर आप एग्जाम्पल दोगे उसके हिसाब से एग्जाम्पल रहेगा मालिक। ओके, मैं एक दो एग्जाम्पल वापस बता रहा हूं, जो रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। ओके, पेनड्राइव वाला एग्जाम्पल क्या रहेगा मालिक? ओके, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है। ओके, इसको अपन एक 5 मिनट में खत्म कर देंगे, अपना बरोबर मस्त कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सीए बनने के लिए मतलब तोड़ है मालिक। ओके, पेनड्राइव अगर आपने ली है तो आपके पास पेनड्राइव होगी। अब मेरे को बताओ, पेनड्राइव के अंदर डेटा है। ओके, अब पेनड्राइव डालते हो, ओके, अपने सिस्टम में डालते हो, आप लैपटॉप में लगाते हो, और जैसे ही पेनड्राइव एक्सेस करने की कोशिश करते हो, यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है वो पेनड्राइव। ओके, अब मेरे को बताइए, ओके, पेनड्राइव अगर यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है तो ये कौन सा होगा? 101% फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, बिकॉज यू आर एक्सेसिंग डेटा, इनटैंजिबल रिसोर्स स्टोर्ड इन टैंजिबल मीडिया।
यू आर एक्सेसिंग इनटैंजिबल रिसोर्स स्टोर्ड इन टैंजिबल मीडिया। ये कॉन्सेप्ट है मालिक। चेतन सही बोला, बर्तन अपने को वाइफ के कारण धोने पड़ रहे, यही तो पॉइंट है। तो सर मेरे को एग्जैक्टली जो पॉइंट क्लियर करना था, अब मेरे ख्याल से सब लोग राहुल अग्रवाल, व्हाट्सएप का डेटा फोन पे स्टोर होता है। अरे भाई वो फोन का एक्सेस नहीं करते, व्हाट्सएप का डेटा फोन पे स्टोर नहीं होता है, वो सर्वर पे रहता है। मेरे को बता नया मैसेज आता है क्या? तो नया मैसेज दिखना है, जो पुराना डेटा स्टोर हो गया वो स्टोर हो गया, छोड़ दे उसको, उसको इग्नोर कर। ओके जिसमें जाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा, बट लॉजिकली फिजिकल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल जो समझाना था वो समझने की कोशिश करो। अगर डेटा कहीं और स्टोर है, तुम्हारे पास स्टोर नहीं है और उसको एक्सेस करना है, ओके इन सिंपल टर्म, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, डेटा तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है अभी, और वो कहीं और स्टोर है, दूसरे लोकेशन में स्टोर है, और यहां पर बैठ के तुम दूसरे लोकेशन पे जा रहे हो, यहां पर बैठ के तुम दूसरे लोकेशन पे जा रहे हो, ओके इसको हम बोलेंगे ओके लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। यहां का यहां पर ही डेटा स्टोर है और यहां पर ही एक्सेस करना है, इसको हम बोलेंगे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। बात खत्म। दिस इज अ सिंपल स्टोरी ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आप फटाफट लिख लीजिए मालिक। ओके सबसे पहले गिव द हेडिंग पॉइंट टू। पॉइंट टू लॉजिकल। पारुल लॉजिकल के बहुत सारे एग्जांपल दे दिए रे, लॉजिकल के एग्जांपल कितने सारे ले गए। तो तेरे मोबाइल में जो जो एक्सेस कर रही है एग्जांपल, अरे मेरे को बताओ मोबाइल में एप्लीकेशन होगा ओके फ्लिपकार्ट होगा, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, फ्लिपकार्ट का एक्सेस किधर जाता है? फ्लिपकार्ट पे जाने वक्त यूजर आईडी पासवर्ड पूछता होगा, कुछ पासवर्ड पूछता होगा ना वो, कुछ तो यूजर आईडी लॉग इन करो कुछ करो ऐसा पूछता है ना, तो वो किधर जाना पड़ता है? दैट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, बिकॉज यू आर एक्सेसिंग द फ्लिपकार्ट का डेटा विच इज नॉट स्टोर्ड ऑन योर मीडिया, इट इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर ऑफ फ्लिपकार्ट। तो अगर कोई इंटेंजिबल रिसोर्स तेरे मीडिया में स्टोर है और उसको एक्सेस करना है तो फिजिकल है, लेकिन इंटेंजिबल रिसोर्स का स्टोर अलग है और यू आर एक्सेसिंग ओनली इंटेंजिबल, यू आर नॉट एक्सेसिंग टेंजिबल। मेरे को बता तू सर्वर किधर एक्सेस कर रहा है, वो सर्वर पे और क्या क्या चीजें तेरे को किधर मालूम है? फ्लिपकार्ट के सर्वर पे और क्या क्या है? तू खाली फ्लिपकार्ट से जो तेरा काम है उतना ही एक्सेस कर पा रहा है, यू आर नॉट एक्सेसिंग दैट फिजिकली सर्वर। तो दैट विल बी ए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो इफ एनीथिंग विच इज स्टोर्ड ऑन इंटरनेट, एनीथिंग विच इज स्टोर्ड ऑन इंटरनेट, एकदम क्लियर वर्ड में यूज कर रहा हूं, एनीथिंग विच इज स्टोर्ड ऑन इंटरनेट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। एनीथिंग विच इज स्टोर्ड ऑन योर लोकल डिवाइस, मोबाइल लैपटॉप जो भी स्टोर्ड है और उसको एक्सेस कर रहे हो तो वो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। दैट इज द सिंपल सा टर्म। ओके लिख लीजिए मालिक। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है भास्कर, भास्कर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अगर फ्लिपकार्ट से बैंक पे जाएगा तो लॉजिकली जा रहे हैं ना मालिक, सब लॉजिकली है मालिक। गूगल ड्राइव भी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल ना, गूगल ड्राइव भी। अर्जुन गूगल ड्राइव क्या है? गूगल मेरे को बता गूगल ड्राइव का सर्वर क्या तेरे घर पे है? करे नहीं ना यार, वो गूगल के पास है ना। जो सर्वर तेरे पास नहीं है, जो चीज तेरे पास नहीं है ना फिजिकली, ओके टेंजिबल नहीं है ना वो तेरे पास, वो सब चीज इंटेंजिबल तो एक्सेस कर रहा है, दैट विल बी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। मुश्किल है अनूप। ओके एलएसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू पीएसी। ओके बोथ एग्जांपल आर डिफरेंट, बोथ कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ओके गिव द हेडिंग सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइस का ऐप इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। भारती क्लियर कट है ना, बिकॉज प्रोवाइस का ऐप इज नॉट ऑन योर मोबाइल, वो ऐप का एक इंटरफेस है, तुमको जाना होगा सर्वर पे जाना होगा बेटा, तुम प्रोवाइस के ऐप से सर्वर पे जाते हैं मालिक। कॉपी मत करो मैं बोल रहा हूं, वो लिखो। टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, फर्स्ट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फर्स्ट पॉइंट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल डैश फिजिकल एक्सेस कंट्रोल डैश एनी एक्सेस, एक्सेस की स्पेलिंग ध्यान रखना, ए डबल सी ई एस एस, एनी एक्सेस टू टैंजिबल रिसोर्सेस, एनी एक्सेस टू टैंजिबल रिसोर्सेस any access to tangible resources or intangible resources stored in tangible media or intangible resources stored in tangible media
intangible resources stored in tangible media is called physical access control. Any access to tangible resources or intangible resources stored in tangible media is called physical access control. श्रुति नहीं ना यार, व्हाट्सएप भी तो टेंजिबल सोर्स है. अरे बेटा मेरे को बता, व्हाट्सएप का सर्वर है ना यार, तुम व्हाट्सएप के सर्वर पे जाते हो, जब तुम व्हाट्सएप चालू करते हो तो वो सर्वर से तुमको मैसेज आता है ना यार. तुम्हारे लोकल मोबाइल थोड़ा ना मैसेज देता है. मैं तब तुमको मैसेज भेजता हूँ, एग्जाम्पल तू और मैं व्हाट्सएप कर रहे हैं, ओके मैं तेरे को व्हाट्सएप भेज रहा हूँ तो तेरे को नहीं आता है वो, पहले व्हाट्सएप के सर्वर पे जाता है, फिर व्हाट्सएप का सर्वर तेरे को अलर्ट करता है कि तेरा मैसेज आया, और तू सर्वर पे आती है फिर जाके मैसेज देखती है. दिस इज हाउ इट हैपेंस. ये कॉन्सेप्ट होता है व्हाट्सएप का मालिक. व्हाट्सएप का जीमेल है, एग्जाम्पल मैंने तुझे मेल किया, अब तेरे को मेल नहीं आता है, वो मेल जीमेल के सर्वर पे जाके रहेगा, उसके बाद जब तुम जीमेल के सर्वर पे आओगे तब तुमको मेल दिखता है. तो ये हमेशा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है मालिक. अरे श्रुति इधर की, श्रुति अरोरा कॉन्सेप्ट है रे, श्रुति प्रजापति तू नहीं. अरे वो अभी नेम सेम है मालिक. ओके सेकेंड पॉइंट, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल डैश. Any access to software or data, any access to software or data is called logical access control. यस रोहित बरोबर है, परफेक्ट है. ओके एक चीज समझिए, ये चीज आप दिमाग में क्लियर रखिए. आप बोलोगे सर नोटिफिकेशन आता है ना व्हाट्सएप का, मेरे को पता है इंटरनेट बंद कर दे, नोटिफिकेशन आएगा क्या व्हाट्सएप का? थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना यार, थोड़ा दिमाग लगा. मेरे को बता इंटरनेट बंद कर दे, तू इंटरनेट बंद कर दे, नोटिफिकेशन आएगा क्या? नहीं आएगा. इंटरनेट चालू है तो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? दैट योर डिवाइस इज कंपेटेबल, सिंक्रोनाइज विद सर्वर. तो तुम सर्वर को बोलते हो तुम्हें रियल टाइम नोटिफिकेशन मिले, इसीलिए वो रियल टाइम नोटिफिकेशन सर्वर तुम्हें देता है. ओके मैं मैसेज अगर मैं तुम्हें व्हाट्सएप करूंगा तो तुम्हें डायरेक्टली व्हाट्सएप नहीं मिलता भाई, प्लीज ये क्लियर रखिए, ये दिमाग में क्लियर रखिए. मैं जब व्हाट्सएप करता हूं तुम्हें तो ये व्हाट्सएप के सर्वर पे जाता है और वो सर्वर से नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता है क्योंकि तुमने ऑन रखा हुआ है. और फिर तुम जब वो व्हाट्सएप ओपन करते हो ना तो लॉजिकली उस सर्वर पे तुम जा रहे हो, उस सर्वर पे तुम जा रहे हो, वो लॉजिक अपने दिमाग में आता है. एंड देयरफॉर इट इज अ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, इट इज नेवर अ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, बिकॉज व्हाट्सएप इज नॉट स्टोर्ड इन योर लोकल डिवाइस. प्लीज मेक इट श्योर, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए मालिक. ओके लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, एनी एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर और डेटा इज कॉल्ड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. आत्मा क्लियर है मालिक? परफेक्ट. मोहित मैसेज आ रहा है, ओके जीमेल साउट आउट करने के बाद नहीं मिलते. हाँ वही कॉन्सेप्ट यही है. टेक्स्ट मैसेज तुम्हारा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल रहेगा बिकॉज यू आर एक्सेसिंग हियर ऑन योर डिवाइस ओनली. टेक्स्ट मैसेज तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल ही होगा ना, क्योंकि तुम्हारे डिवाइस में स्टोर होता है ना, वो सर्वर पे स्टोर नहीं होता मालिक. नॉर्मल एसएमएस इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, कॉन्सेप्टली सही है, सब लोग सही है. अनुराग डेफिनेशन, एनी एक्सेस टू सॉफ्टवेयर और डेटा इज कॉल्ड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. सीधा एकदम सिंपल से लॉजिक रख. यस YouTube पे आएगी आज की भी क्लास, YouTube पे रहेगी मालिक, आज की भी क्लास YouTube पे रहेगी, नो इश्यू मालिक. तो मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट सबको क्लियर है मालिक. ठीक है मालिक, फ्रीज कर देते हैं. सेकंड पॉइंट दिमाग में लगाओ, दिमाग में डाल दो, पार्किंग लॉट में डाल दो. तो पहला कॉन्सेप्ट आपने खत्म क्या किया, परफेक्ट. थर्ड एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना, अगर ये तीसरा कॉन्सेप्ट समझ गया तो अपना काम खत्म है भाई. यस मालिक, YouTube पे आज की क्लास आएगी मालिक. तो पहला कॉन्सेप्ट अपने किया क्लाइंट एंड सर्वर,
दूसरा कॉन्सेप्ट किया टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल आर देयर, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिक एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल नोटिंग नहीं कर रहे अपन, खाली कॉन्सेप्ट को नोटिंग कर रहे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एंड लॉजिकल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल मैंने तुमको समझा दिया था, दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, डोंट वरी, योर सिलेबस इज वर्किंग विद फिजिकल एंड लॉजिकल, बट फिजिकल और लॉजिकल के समझाने के लिए मेरे को एक्सेस कंट्रोल समझाना था मालिक। तो टेक्स्ट मैसेज, तो इसीलिए मैंने बोला ना टेक्स्ट मैसेज में आपके लिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल ही रहेगा मालिक। यस यस यस, परफेक्ट। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, आराम से जाइए। ओके, आखिरी कॉन्सेप्ट है आज के दिन का, और ये तीन सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है जिसके बिना कॉन्सेप्ट नहीं होएगा मालिक। हिमांशु तुम जो बोल रहे हो ना, इट मींस विदाउट पीएससी एलएसी कैन नॉट बी डन। ओके, ये डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस है, ये तो क्लियर है, डायरेक्टली एलएसी नहीं हो सकता। एलएसी होने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं पहला पॉइंट पीएससी होगा ही, उसके बाद एलएसी होगा, लेकिन पीएससी होने के बाद हर टाइम एलएसी होगा ऐसा नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स ऑन क्या पॉइंट है, तो हमेशा पीएससी रहता है, पीएससी के बाद एलएसी होने की संभावना हो सकती है, दैट्स हाउ द थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो पूछा किसी ने, मैं इसको क्वेश्चन को ले ही लेता हूं। ओके, ये क्वेश्चन ले ही लेते अपन। मेरे को बताइए, मेरे को आप बताइए, अभी आंसर दीजिए, सिर्फ आंसर दीजिए। मैं YouTube पे जा रहा हूं और YouTube पे क्लास देख रहा हूं, YouTube पे जा रहा हूं, YouTube पे क्लास देख रहा हूं, कौन सा एक्सेस कंट्रोल, पीएससी या एलएसी? यस, सोनिका आ रहा है, वासु, संजू, दिमाग में वो टेंशन मत ले, मेरे को जितना समझाना उतना ही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ मैंने। संजू डोंट वरी अबाउट दैट वर्डिंग, वर्डिंग में मेरे को खाली दो वर्ड, दो कॉन्सेप्ट चाहिए तुम्हें। 100% एलएसी, परफेक्ट मालिक, परफेक्ट। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ आई एम गिविंग एन एग्जांपल लॉजिकल बिकॉज यू आर गोइंग एट सर्वर, परफेक्ट परफेक्ट। एलएसी एलएसी, पीएससी नहीं है, 100% एलएसी, परफेक्ट। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, आई हैव डाउनलोडेड वन लेक्चर। ओके, मैंने एक लेक्चर डाउनलोड किया यूट्यूब पे और वो डाउनलोड हुआ, मैं इंटरनेट बंद रखता हूं, मैं इंटरनेट बंद रखता हूं, मैं इंटरनेट बंद रखता हूं। ओके, इंटरनेट बंद रखता हूं और अब वो डाउनलोडेड लेक्चर दिखता हूं जो मेरे डिवाइस पे स्टोर है। अब इंटरनेट बंद लगता हो, इंटरनेट बंद रखता हूं और वो डाउनलोडेड लेक्चर, ओके, जो यूट्यूब का है उसको देखता हूं, इंटरनेट बंद है पूरा, मैं कहीं पर भी ना जाता हूं। अब मेरे को बताओ कौन सा, तुषार एलएसी, पीएसी, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अगर बिना इंटरनेट के कुछ भी एक्सेस हो रहा है ना भाई, दैट इज कॉल्ड पीएसी। एकदम सिंपल से फंडामेंटल रूल में मैं तुमको वही बता रहा हूं। और अगर तुम्हें इंटरनेट चाहिए कुछ एक्सेस करने के लिए, तो तुम्हारा एलएसी का कॉन्सेप्ट है। YouTube पे ही चलेगा, लेकिन YouTube का लोकल ऐप चलेगा ना मालिक, एलएसी क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है ना, वो डिवाइस पे स्टोर है ना तुम्हारे। जब कोई चीज तुम्हारे डिवाइस पे स्टोर है, तुम डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो ना, जब तुम्हें उसके सर्वर पे जाना पड़ेगा जहां पर तुम टैंजिबल रिसोर्स नहीं एक्सेस करने वाले हो, खाली इंटेंजिबल एक्सेस करने वाले हो, तब जाके अपन एलएसी बात करेंगे। ओके, मुस्कान बोल रही है सिंपल है, अरे मेरे को मालूम है ये सिंपल कैसे है भाई। ओके, ये क्या, ये बॉस तुमको मालूम नहीं है ये क्या है, किसी को भी तुम क्वेश्चन पूछो, मार्क कसम बोल रहा हूं, मार्क कसम स्क्वायर, अगर साला रॉन्ग आंसर नहीं दिया ना तो नाम बदल देना। बहुत जन के लिए फिजिकल और लॉजिकल में कॉन्सेप्ट गड़बड़ होती है, सबका दिमाग किसमें चलता है मालूम क्या, फिजिकल एंड लॉजिकल में सबका दिमाग इसमें चलता है, फिजिकल एंड लॉजिकल में सबका दिमाग किसमें चलता है सुनिए, फिजिकल एंड लॉजिकल में सब लोग है ना मैनुअल और ऑटोमेटेड में कंफ्यूजन होते हैं। सब लोग बोलते हैं जो फिजिकल है वो मैनुअल है और जो लॉजिकल है वो ऑटोमेटेड है, ऐसा नहीं है। मैनुअल ऑटोमेटेड कॉन्सेप्ट ही अलग है, फिजिकल एंड लॉजिकल कॉन्सेप्ट अलग है। ये पॉइंट है, इसको अपन अगर देखे ना तो मालिक दिमाग में चला जाएगा, फिर अपन को समझ में आएगा, हाँ भाई ये इस तरह से कॉन्सेप्ट चल जाता है, एंड दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट गोज ऑन। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट, एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं मालिक। ओके, क्योंकि मेरे पास एक 15 मिनट ही अपने पास। ओके, परफेक्ट मालिक, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं मालिक, यस, एनीथिंग यू आर एक्सेसिंग, बिकॉज एनीथिंग यू आर एक्सेसिंग ऑन इंटरनेट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ओके, एक छोटे सा एग्जांपल वापस मैं डिस्कस कर रहा हूं, भारत माता की जय, सुन लीजिए। ओके,
ये सर्वर है, ये सर्वर है, ये सर्वर है, ये सर्वर है, ओके, ये मुंबई में रखा हुआ सर्वर है, और 80 मतलब मैं रे 80 ये सर्वर को एक्सेस कर रहा है मुंबई से ही, मुंबई से ही सर्वर के रूम से ही, आई एम एक्सेसिंग दिस सर्वर फ्रॉम मुंबई ओनली, ओके, जहां पर सर्वर रखा है वहां पर ही एक्सेस कर रहा हूं, जहां पर सर्वर रखा है वहां पर ही एक्सेस कर रहा हूं, ओके, हम इसको बोलेंगे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। मेरे ख्याल से ये तो सबको समझ में आ गया, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फ्रॉम दिस सर्वर आई एम एक्सेसिंग सम अदर सर्वर ऑल्सो, एग्जाम्पल आई एम एक्सेसिंग प्रोवाइस का सर्वर which is stored in Delhi. From Mumbai, I am accessing the Provice ka server, which is stored in Delhi. मेरा वाला तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, ये सबको समझ में आ गया। अब मैं बोल रहा हूं मैं मुंबई में फिजिकली मेरे सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं और मैं दिल्ली के प्रोवाइस के सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं। 101% जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये दिल्ली का सर्वर एक्सेस करना हुआ, ये नथिंग बट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कर रहा हूं। तो फिजिकल एक्सेस और लॉजिकल एक्सेस के इसमें आप ध्यान रख लीजिए मालिक भार्गव, मैंने ये समझाते वक्त बताया था, आप इसमें कंफ्यूजन मत करिए, ठीक है मालिक, बस इसको फ्रीज करिए, लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, थर्ड पॉइंट, चलो आगे बढ़ते मालिक, ओके, थर्ड, टाइप्स ऑफ डेटा, ओके, सबके ध्यान दे, एक्सेस कंट्रोल नहीं है लेकिन तुम एक्सेस लॉजिकली करते हो ना आईसीए की वेबसाइट, ओके, परफेक्ट। कल चैप्टर शुरू होगा मालिक, प्रिया मैडम कल चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 2 चालू करेंगे कल अपन, कल अपना पॉइंट चालू होगा मालिक, कल से अपना चैप्टर चालू होगा मालिक, और कल से है ना मतलब आज तक तो ठीक है अपन ने ये सब कर दिया मालिक, ओके, आज तो अपना ये पॉइंट है, और यूट्यूब पे कल से यूट्यूब पे क्लास नहीं रहेगी मालिक, तो आज देख लेना मालिक, समझने का कॉन्सेप्ट है आप ध्यान में रख लेना मालिक। मुस्कान मेरे को समझ में आ जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पांचर जोक था ये जोक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टेक केयर, ओके। टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा कोई डेटा नहीं है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, थ्री टाइप्स ऑफ डेटा, कौन सा थ्री टाइप्स ऑफ डेटा है चेतन, मां कसम तू है, तोड़, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज मास्टर डेटा एंड सेकेंड इज ट्रांजेक्शन डेटा, ओके, एक है मास्टर डेटा और एक है ट्रांजेक्शन डेटा, ओके, वन इज मास्टर डेटा एंड वन इज ट्रांजेक्शन डेटा। वापस आते हैं एक बार, अभी लेक्चर खत्म होगा उसके बाद मैं आपको वो नंबर दे देता हूं जो टेलीग्राम या जो जिसमें व्हाट्सएप क्या है आप देखिए, उसके बाद बात करते हैं, ओके, वापस आते हैं मालिक। मालिक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज मास्टर डेटा एंड वन इज ट्रांजेक्शन डेटा, वन इज मास्टर डेटा एंड वन इज ट्रांजेक्शन डेटा, ओके, मास्टर डेटा और ट्रांजेक्शन डेटा में डिफरेंस क्या होता है। द डेटा विच इज फ्रीक्वेंटली चेंज, कान खुले हाँ, द डेटा विच इज फ्रीक्वेंटली चेंज, द डेटा विच इज फ्रीक्वेंटली चेंज इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन डेटा, द डेटा विच इज रेयरली चेंज इज कॉल्ड मास्टर डेटा। वापस बोल रहा हूं सुन लीजिए मालिक, ओके, दो तरह के डेटा होते हैं, ओके, जब भी हम सिस्टम में डालते हैं वो डेटा डालते हैं, हमें सिस्टम से क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन। मेरे को बताओ, व्हेन यू इनपुट डेटा, डेटा ओनली ना मालिक, यू डोंट इनपुट इन्फॉर्मेशन, यू इनपुट डेटा एंड आफ्टर इनपुटिंग डेटा यू गेट इन्फॉर्मेशन। So here again what we are discussing is basically when we enter the data in system there are two types of data, first is master data and one is transaction data, the data which is rarely changed is called master data and the data which is frequently changed is called transaction data, data which is rarely changed is called master data, the data which is frequently changed is called transaction data। अब समझे चलो, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं द डेटा विच इज फ्रीक्वेंटली चेंज, फ्रीक्वेंटली यानी जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी है चेंज होने की उस डेटा को हम ट्रांजेक्शन डेटा बोलेंगे, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी नहीं है उसको हम मास्टर डेटा बोलेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं मास्टर डेटा में चेंज नहीं होगा मालिक, मास्टर डेटा में भी चेंज होगा लेकिन कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। आराम से एग्जाम्पल वाइज समझिए मालिक, ओके, नाम एंटर कर रहा हूं, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए, एक बार अगर मैंने नाम एंटर कर दिया डोंट यू थिंक नाम बार बार चेंज होने वाला है क्या, नहीं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, मास्टर डेटा, इसको हम लोग बोलेंगे मास्टर डेटा। कभी भी अपन कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा डालेंगे तो हमेशा अपन डिवाइड करेंगे मास्टर और ट्रांजेक्शन में,
हमेशा सबसे पहले जो डालेंगे डेटा वो होगा मास्टर डेटा। एग्जांपल नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, ओके डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, टेलीफोन नंबर डालेंगे, ये सब डालेंगे, ये सब क्या होगा मास्टर डेटा। ट्रांजेक्शन डेटा जो डेटा बार बार चेंज होगा, मालिक बार बार चेंज होगा। ओके एग्जांपल में लेते हैं, ओके आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में मैं एम्प्लॉयर हूं और आप सब मेरे एम्प्लॉई हो। मैं आपका नाम और एड्रेस और पैन कार्ड नंबर और सब नंबर सब डाल देता हूं सिस्टम में। ओके ये है मेरे लिए मास्टर डेटा। अब मेरे को बताओ आपका टाइम शीट्स है, टाइम शीट मतलब एवरीडे आपका टाइम इन टाइम आउट मुझे एंटर करना है, आप रोज कितने बजे आते हो और कितने बजे जाते हो ये मेरे को एंटर करना है, ये मेरे को एंटर करना है मालिक, ये मेरे को एंटर करना है, टाइम इन टाइम आउट ये मेरे को एंटर करना है, टाइम इन टाइम आउट ये एंटर करना है मेरे को बताओ। यस अनिश मैं वो कर लेता मालिक। ओके टाइम इन टाइम आउट ये कौन सा डेटा होगा, मास्टर डेटा या ट्रांजेक्शन डेटा? रोज का टाइम इन टाइम आउट एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? एज ट्रांजेक्शन डेटा नहीं है, डेट ऑफ बर्थ बोल रहा हूं मैं। शॉर्ट फॉर्म यूज करो आप, शॉर्ट फॉर्म यूज करो आप, शॉर्ट फॉर्म यूज करना चालू कर दो। जैसे ही मैंने बोला मास्टर डेटा एमडी, ट्रांजेक्शन डेटा टीडी, 101% ट्रांजेक्शन डेटा होगी, परफेक्ट ट्रांजेक्शन डेटा होगा। ओके आराम से समझिए मेरे को बताओ। ओके हर महीने का पेरोल जनरेट होगा, पेरोल पेरोल जनरेट होगा। एज इज विच डेटा बेटा, एज अगर डाल रहा हूं ना मैं, एज 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 विल बी ट्रांजेक्शन डेटा बिकॉज एवरी ईयर यू विल बी चेंजिंग, इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। आपकी फ्रीक्वेंसी है ना हर साल चेंज होने की, एज बढ़ने वाला है ना हर साल कि नहीं बढ़ने वाला है? ओके एज बढ़ने वाला है तो फ्रीक्वेंसी है ना, आई एम डिस्कसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है तो ये ट्रांजेक्शन डेटा है, फ्रीक्वेंसी के बिना चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं है और अचानक चेंज हो सकता है, ओके दैट इज कॉल्ड मास्टर डेटा। एग्जांपल बोल रहा हूं मास्टर डेटा में चेंजेस, नाम चेंज नहीं हुआ लेकिन एड्रेस चेंज हो सकता है ना मालिक, लेकिन एड्रेस की फ्रीक्वेंसी थोड़ा ना, हर महीने एड्रेस बदलते रहता है ऐसा थोड़ा होता है मालिक। ओके टेलीफोन नंबर हर महीने बदलते रहता है ऐसा थोड़ा होता है, ईमेल आईडी हर महीने बदलते रहता है ऐसा थोड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड मास्टर डेटा। जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है वो मास्टर डेटा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांजेक्शन डेटा है। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक मेरे कहते मालिक, समझ में आया मालिक? ओके लॉजिकली समझने का करो, टाइम क्यों, रोज का टाइम प्लस माइनस हो सकता है इसलिए एंटर करना पड़ेगा, इसलिए ट्रांजेक्शन डेटा ना यार, रोज का टाइम एंटर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन डेटा। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट आस्किंग वन पर्टिकुलर क्वेश्चन मालिक। ओके इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से बात करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से बात करते हैं, जेंडर कौन सा डेटा होगा? क्या मजाक करता है सुशांक। ओके सुशांक पूछ रहा है जेंडर कौन सा डेटा होगा, भाई तू ही डिसाइड कर ले, तेरे को एग्जैक्टली अच्छे से मालूम, क्या कुछ भी सवाल पूछते है भाई। ओके तो मालिक समझ में करो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ओके लॉजिकली जस्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ओके इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए अपन क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ना मालिक। अब मेरे को बताओ इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त मैं अपना नाम दे रहा हूं, नाम नाम एड्रेस पैन कार्ड नंबर डाल रहा हूं, नाम एड्रेस पैन कार्ड नंबर डाल रहा हूं। फ्रीक्वेंसी का टाइम डिफाइन नहीं होता भाई, फ्रीक्वेंसी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ईयर फ्रीक्वेंसी, इट कैन बी डेली फ्रीक्वेंसी, इट कैन बी वीकली फ्रीक्वेंसी, लेट द पर्सन डिसाइड जो एंटर कर रहा है। मास्टर डेटा परफेक्ट, नाम एड्रेस परफेक्ट परफेक्ट मास्टर डेटा। अब नाउ गिव मी ए करेक्ट एग्जांपल, करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके मेरे को बताओ एवरी ईयर मैं इनकम टैक्स भरता हूं तो मैं इनकम की डिटेल डालता हूं, एवरी ईयर इनकम की डिटेल डालता हूं, सोच समझ के आंसर देना, गड़बड़ मत करना। एवरी ईयर मैं इनकम की डिटेल डालता हूं, एवरी ईयर मैं इनकम की डिटेल डालता हूं, एवरी ईयर इनकम की डिटेल डालता हूं मास्टर। एवरी ईयर इनकम की डिटेल परफेक्ट ट्रांजेक्शन डेटा। एवरी ईयर जब इनकम की डिटेल, बिकॉज एवरी ईयर इनकम की डिटेल चेंज होने वाली है, एवरी ईयर इनकम की टैक्स चेंज होने वाला है, देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड अगर फ्रीक्वेंसी डिफाइन है। अब आप यही पूछोगे सर फ्रीक्वेंसी कौन डिफाइन करेगा, फ्रीक्वेंसी विल बी डिफाइंड बाय द पर्सन हु इज एंटरिंग इन टू द सिस्टम। ओके जिसको वो डेटा चाहिए, जिसको वो डेटा चाहिए वो डिसाइड करेगा फ्रीक्वेंसी ना। अगर वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है तो ट्रांजेक्शन डेटा है, अगर वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता तो मास्टर डेटा है, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए। ओके मास्टर डेटा एंड ट्रांजेक्शन डेटा मालिक पक्का समझ में आया मालिक, वापस बोल रहा हूं। ओके एनी डेटा विच इज एंटर्ड एंड देयर इज नो चेंज इन दैट डेटा, ओके उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है उसको हम बोलते हैं मास्टर डेटा। अगर कोई डेटा सिस्टम में एंटर किया और उसकी फ्रीक्वेंसी है बार बार चेंज होने की, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन डेटा। ओके अगर कोई फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी आप मेरे को पूछोगे सर फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करेंगे, लेट द पर्सन हु इज एंटरिंग द डेटा डिसाइड द फ्रीक्वेंसी,
वी आर नॉट हियर, हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है मालिक। ओके तो यहां पर ओके तो आप ऐसे मत डिसाइड करो कि फ्रीक्वेंसी का पॉइंट क्या रहेगा मालिक। मालिक एवरीडे क्लियर, तो परफेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके परफेक्ट, तो लास्ट पॉइंट मास्टर एंड ट्रांजेक्शन के लिए लास्ट पॉइंट ओके खत्म करने के लिए स्क्रीन पे देखिए, सोच समझ के बताइए, गिव मी अ करेक्ट आंसर। ओके आंसर मत दीजिए, सुन लीजिए बस। पेरोल कौन सा डेटा मालिक? पेरोल 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 का अपना रह गया मालिक, पेरोल इज ट्रांजेक्शन डेटा, पेरोल इज नॉट मास्टर डेटा, पेरोल इज ट्रांजेक्शन डेटा, पेरोल इज ट्रांजेक्शन डेटा। ओके अरे गुड नाइट मोहित, गुड नाइट मोहित, जाके सो रहा, तू दो घंटे से तो सो ही तो रहा है मोहित, तू कौन सा जाग रहा था। ओके प्लीज अंडरस्टैंड, ये मास्टर डेटा और ट्रांजेक्शन डेटा क्यों बनाया मालिक, मास्टर डेटा और ट्रांजेक्शन डेटा क्यों बनाया? अगर मैंने एक बार मास्टर डेटा एंटर कर दिया तो सॉफ्टवेयर को वापस वही डेटा लेने बोलूंगा, बार बार मेरा टाइपिंग एफर्ट बचेगा। थोड़ा प्रैक्टिकली आप सोचिए, अगर आप सब मेरे एम्प्लॉई है तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारा नाम एड्रेस पैन कार्ड नंबर ओके ये सब एक ही बार स्टोर कर दूंगा। जब हर महीने आपकी मैं पे स्लिप बनाऊंगा तो मैं आपका जो डेटा ऑलरेडी स्टोर है उसको ही रिट्रीव करूंगा। एग्जाम्पल तुम्हारा कुछ एम्प्लॉय नंबर होगा तो मैं सिस्टम को एम्प्लॉय नंबर दे दूंगा और तुम्हारा डेटा अपने आप आ जाएगा। दिस इज वॉट वी कॉल्ड ऑलवेज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर डेटा। ओके पेरोल क्या होता है मालिक? पेरोल मतलब आपकी पे स्लिप बनती है ना हर महीने, पेरोल 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 एचआर ह्यूमन रिसोर्स जो बनाता है, पेरोल बनाता है, पे स्लिप बनाता है, वो कॉन्सेप्ट होता है मालिक। हाँ, अरे तो मालिक एड्रेस चेंज हो सकता है तो क्या प्रॉब्लम है? एड्रेस पर फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है क्या? नहीं, एड्रेस फ्रीक्वेंसी से चेंज नहीं होता, एड्रेस कभी कभार चेंज होता है, देयरफॉर इट इज अ ट्रांजेक्शन डेटा, इट इज नॉट ए मास्टर डेटा। देखो अगर फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है तो ट्रांजेक्शन है, फ्रीक्वेंसी से चेंज नहीं होता है तो मास्टर है। अब कॉन्सेप्ट ये है, पेरोल क्या है अनुराग? अरे पेरोल क्या है, क्या मजाक कर रहे हो? पेरोल पेरोल मतलब यार पे स्लिप बनाने वाले लोग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, पेरोल जो अपन पेरोल बनाते हैं, पे स्लिप बनाते हैं मालिक। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है अब समझ लो, छोड़ो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, लास्ट कॉन्सेप्ट। ओके ये क्यों डिवाइड करना चाहिए सर मास्टर ट्रांजेक्शन? काई के लिए डिवाइड किया, क्यों मगजमारी किया सर, काई के लिए इतना मगजमारी कर रहे अपन मास्टर ट्रांजेक्शन को डिवाइड करने के लिए यार? ओके क्यू सर क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड, लॉजिक ये है, मैंने जो आपको समझाया कि एक बार मैंने डेटा डाल दिया, बार बार मेरे को डेटा एंटर करने का एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए ओके प्लीज लॉजिकली देखिए। एग्जांपल ओके अब अगर मैं नेम डाल रहा हूं और नेम नेम में ओके यार ये थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके क्या होगा? ओके एक बार मैंने जो डेटा एंटर कर दिया, अगली बार मैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से लेता हूं, कहा पूछे मैं टेंशन मत लो, आंसर को पेरोल का तो आंसर तो बताओ साक्षी, क्या बताओ पेरोल का आंसर, पेरोल पेरोल का आंसर क्या बताओ? पेरोल पेरोल का आंसर तो ट्रांजेक्शन डेटा है ना साक्षी, बोला ना पेरोल, हर महीने मेरे को बता सैलरी एक जैसी मिलती क्या? सैलरी में प्लस माइनस होता ना, तू एब्सेंट रहा प्लस माइनस रहा, वापस पेरोल चेंज। सैलरी स्ट्रक्चर, अगर आपका कंफ्यूजन सैलरी स्ट्रक्चर में होगा, सर बेसिक डियरनेस अलाउंस ये तो फिक्स होता, वो सैलरी स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर इज मास्टर डेटा, सैलरी स्ट्रक्चर इज मास्टर डेटा, बट सैलरी इज नॉट इट मास्टर डेटा, सैलरी इज ट्रांजेक्शन डेटा। हर महीने की सैलरी एग्जैक्टली मिलती थोड़ी ना वैसी की वैसी, अरे तू एब्सेंट रहा तो कैसे देंगे मालिक, एब्सेंट रहा तो कैसे देंगे मालिक, यार सैलरी सैलरी तेरे को हर टाइम थोड़ी ना एक जैसी मिलती है यार, सैलरी में चेंजेस हो सकता है मालिक। मालिक एवरीडे क्लियर, ये पॉइंट रहेगा मालिक। ठीक है मालिक तोड़, ओके ठीक है ओके बाकी अभी मैं कल चैप्टर टू चालू करूंगा, चैप्टर टू का व्हाटएवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो तीन चीजें मैंने आज आपको करवा दी, मास्टर ट्रांजेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है ओके क्योंकि ये चैप्टर टू का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो मैंने खाली दो चीज आपको लिखने बोली, वो दो चीज आपके पास नोट्स में रहेगी, एक है क्लाइंट सर्वर और दूसरा पॉइंट है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। मास्टर ट्रांजेक्शन इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि चैप्टर टू का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो कल जब अपन चैप्टर टू चालू करेंगे वो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट ही रहेगा, उसी के टाइम पे अपन ये डिस्कस करेंगे मालिक। एवरीबडी क्लियर मालिक? तुषार ओके बस करो सर बहुत भारी हो गया, पहले सबसे पहले एक दो चार चीजें तुम लोग समझ लो यार। ओके एक दो चार चीजें आप लोग समझ रहे हो ना मालिक, मैं एंड तो कर ही रहा हूं लेकिन है ना ये तुम मेरे को बोलोगे बस करो ये करो वो करो बीच में ना, ये ज्ञान मत दो यार,
प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके देखो, तुम जितने लेवल पे थके रहते ना, मैं भी उस लेवल पे थका रहता। ऐसा नहीं कि सुबह से मैं ओके और ये नहीं है, दूसरे दो रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी, मेरी अलग से रिकॉर्डिंग भी चल रही है, दूसरे बैचेस की सीए फाइनल के पॉइंट की रिकॉर्डिंग चल रही है, सीए इंटर के और एक सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरे टाइम रिकॉर्डिंग चलती रहती है। पूरा दिन मैं भी काम करता, सुबह घर के भी काम करता मैं, उसके बाद घर को भी टाइम देता। ऐसा नहीं रहता कि मैं डायरेक्टली आके इधर पूरा दिन कुछ नहीं करता, पूरे दिन सोया रहता और तुम्हारे सामने आके सीधा मैं कॉन्सेप्चुअली बैठ जाता हूं, यार मैं खाली इतना ही काम करता हूं। तो तुम अगर थकते हो ना, तो मैं भी थकता हूं। ओके ऐसा नहीं है, मैं भी ह्यूमन बीइंग ही हूं, लेकिन अपने को अगर तोड़ करना है ना, तो तुम मुझे ना बीच बीच में रोको मत यार। तुम ऐसे मत बोलो, ये टाइप मत करो मालिक कि भाई यार अरे सर बंद करो, मतलब बस हो गया, थक गया। अरे ऐसा नहीं है, अरे दो घंटे का तो क्लास है यार, अगर मैं चार पांच घंटा पढ़ाऊ तो मैं किधर समझू थक गया। अब तुम्हारा डिबेट ये भी होगा, सर सुबह से क्लास देख रहे हैं। अरे ठीक है, यू आर बाउंड, दिस इज न्यू नॉर्मल, दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू गो थ्रू इट नाउ, बिकॉज तुम वो फेज में सीए इंटर कर रहे हो जिस फेज में सबकी पूरी पूरे वर्ल्ड की लगी पड़ी है यार, एंड दैट इज अ बिग चैलेंज यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यू नीड टू एडजस्ट विथ योर सेल्फ मालिक, बहुत अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा मालिक, ये पॉइंट ध्यान में रखो। और तीसरा सीन, ओके तीसरा एकदम सबसे क्लियर कट सीन है, जब तुम टाइप करते हो, मैं सारी चीजें पढ़ते रहता, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं सब पढ़ के मैं सारे रिस्पॉन्ड करते रहता। तो मेक इट श्योर ओके कि आप वही टाइप करो जो चीज आपको डिफिकल्ट जा रही हो, पंचायती टाइप मत करो, मतलब टाइम पास के लिए वापस रिपीट करने के लिए मत करो, अगर समझ गया है ना गुड इनफ, नो इश्यू। ओके तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखो मालिक। ओके एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके मैं अपना नंबर दे रहा हूं मालिक, नंबर दे रहा हूं, ओके